हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हाय गाइस, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आल मार्क्स का एलिनेशन। ठीक है, सो जितने भी लोग हैं जो लाइव हैं, सेशन को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में, और साथ ही साथ ज्वाइन करें, लाइक शेयर करना ना भूलें गाइस। सो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं एक दो मिनट में। सो एवरीबॉडी, आई एम वेलकमिंग यू ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IAS एंड आई एम योर एजुकेटर रमा शर्मा, डिस्कसिंग हेयर द एक सेकेंड मुझे चेक करने दो, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। सो आप सभी को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हाय आरके, हाय निशा, हेलो कपिल, हाय पूजा, हाय शिवराम, हाय पूरन, हाय दीपशिखा, हाय नितिका, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आप सभी को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ प्रॉपर है। एक बार ही मुझे बता दीजिए। सो दैट कि हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा पाए। सब कुछ क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है गाइस। सो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग राजेश, गुड मॉर्निंग सजाद। सो हियर वी आर डिस्कसिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर 2020 एंड 2021, और यहाँ पर हम कर रहे हैं, अभी हमारी यूनिट फोर्थ चल रही है। तो जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। सो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फायदे हैं गाइज, आप लोग जानते ही होंगे। अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, साथ के साथ अनलिमिटेड कोर्सेज देख सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से आप पढ़ सकते हैं, एग्जॉस्टिव कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, कवरेज कर सकते हैं पूरे सिलेबस की। लाइव टेस्ट सीरीज़ हैं, कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी भी हैं जो आपको फ्री एनरोल कर सकते हैं आप। उनमें डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर राइटिंग सेशन होते हैं, एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको यहाँ से मिलती है। T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी पर, जो डेली शाम को 7:30 बजे होती है। उसमें डेली के न्यूज़पेपर के और PIB वगैरह के हर किसी फॉर्मेट में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, 40 नंबर के ये क्वेश्चन हो सकते हैं होते हैं। आप लाइव इसके लिए टेस्ट दे सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को अपनी लाइव रैंकिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी को आप डिफरेंट डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, उस सब की भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। जैसे करंट अफेयर्स के लिए आपका ये एक चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य करके एक चैनल है, आर्टिकुलेट एक चैनल है यूट्यूब पर, ये सारी हैं। फेसबुक पर, टेलीग्राम पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइदर योर डाउट इज रिलेटेड विद स्ट्रेटजी और टाइम टेबल और प्राइस और एजुकेटर्स टू हुम यू शुड फॉलो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अनअकैडमी पर आपको मिलेंगी। सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनिट फोर हमारी चल रही है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, और अभी हम कर रहे हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, जितने भी लोग आज फर्स्ट लाइव क्लास को अटेंड करने वाले हैं उनके लिए मैं आपको यूनिट फोर का सिलेबस बता दूँ। तो यूनिट फोर के सिलेबस में आपको मिलेगा कार्ल मार्क्स, सबसे पहले, जिनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक थ्योरी है, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी है, एक एलियनेशन है और एक क्लास स्ट्रगल है। सो आपको अगर फीडबैक दिखाई दे रहा हो आपकी, जैसे YouTube वीडियो में आया हो नीचे फीडबैक के लिए, तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं मेरी इस क्लास का।
दूसरा है मेल्डर खेम, मैक्स वेबर, टेलकॉट पर्सन, रॉबर्ट के मॉर्टन एंड मीड, ठीक है, ये सारी थिंकर्स हैं। तो अभी हम आज एलिनेशन करने वाले हैं, कल हम क्लास स्ट्रगल करके कार्ल मार्क्स को खत्म कर देंगे। सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो मार्क्स में ही लगता है, बिकॉज इसकी थ्योरीज को काफ़ी लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया हुआ है, तो इस वजह से इनमें ज़्यादा टाइम लगता है। कार्ल मार्क्स करने के बाद सबसे पहले हम मीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका एक दिन में या दो दिन में ही ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो कार्ल हेनरिक मार्क्स, इनके बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार ही मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा देते हूँ, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि कितना मटेरियल आपको ऑलरेडी पढ़ना है और आप यहीं से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, कार्ल मार्क्स की अर्ली लाइफ के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जो थ्योरी दी थी अपनी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, वो किससे इंस्पायर होकर दी थी, वो हीगल और फ्यूगरबैक के इंस्पिरेशन से इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी। तो जब तक आप मार्क्स को पढ़ना शुरू करते हो, तो जब तक आपको हीगल के बारे में नहीं पता होगा, आप मार्क्स को सही से नहीं पढ़ सकते हैं। तो हीगल के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, उनका जो डायलेक्टिज्म की जो थ्योरी थी वो आपको पढ़नी है। मार्क्स वर्सेस हीगल मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, उसके बाद में कार्ल मार्क्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है, कुछ सोशल टर्म्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सो दैट कि आप जैसे जैसे इन टर्म्स ये आगे आएंगी आप उसको आसानी से समझ सके। तो पहले मैंने वो टर्म्स ही समझाई थी, जैसे आपका सोशियो इकोनॉमिक्स है, जैसे आपका क्लास है, जैसे आपका कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई थी। हीगल एंड फ्यूगरबैक के बारे में मैंने बताया था, हीगल का डायलेक्टिज्म मैंने आपको कराया है। उसके बाद में मार्क्स ने हीगल के इस डायलेक्टिज्म को और फ्यूगरबैक की थ्योरीज को कैसे कंबाइन करके अपनी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी दी थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि मार्क्स ने जो अपना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी दी थी, उसको एक सोसाइटी के बेसिस पे किस तरीके से उसको सिस्टमाइज्ड वे में समझाया था, तो वो हमने यहाँ पर समझा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में हमने ये कल किया था। आफ्टर दैट हमने क्लास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि क्लास होती क्या है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है सोशियोलॉजी के अंदर, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का, ये सब हमने किया था। आफ्टर दैट हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन जो पूरा टॉपिक है वो कल ख़त्म कर दिया था, और ये सब करने के बाद में हमने रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये सब पढ़े थे। तो आज की क्लास जो आपकी शुरू होने वाली है वो है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ठीक है। पहले आते हैं 20 बच्चे और फिर उसके बाद में हो जाते हैं 12 बच्चे, फिर जैसे क्लास आधे घंटे खत्म होती है तो उसके बाद में हो जाते हैं 9-10 बच्चे, ठीक है। और वो 9-10 बच्चे वही हैं जो डेली क्लास अटेंड करते हैं या जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहले आते क्यों हैं और फिर चले क्यों जाते हैं, ठीक है। देखने आते हैं टॉपिक क्या चल रहे हैं, या फिर YouTube पे कोई साइड में टैब ऐसा मिल जाता है जहां पर उन्हें लगता है कि अरे हाँ ये देखने लायक चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एलिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एलिनेशन का जो हिंदी में मतलब होता है गाइज, हिंदी में इसका मतलब है अलगाव की भावना, ठीक है, अलगाव, ठीक है, किसी का किसी के साथ में लगाव ना होना, ठीक है। और लगाव किसको आप बोलते हो, इसको आप ट्रांसफेरेंस भी बोल सकते हैं। एलिनेशन का जो सिनोनिम होता है वो होता है ट्रांसफेरेंस, ठीक है, अलगाव की भावना इसको आप बोलते हो। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि एक सोसाइटी के अंदर लोगों में, और जो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी थी तो कैपिटलिज्म के बारे में उन्होंने काफ़ी चर्चा करी है, तो उसमें कि जो वर्किंग क्लास है या जो इंसान है उनके अंदर ये अलगाव की भावना कैसे आ रही है, ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे ही मैंने डाला हुआ है आपको, ये कार्ल मार्क्स हैं जो ये दिखाते हैं कि इंसान जो है वो काम करते करते ऐसा जकड़ गया है कि वो अपने ही प्रोडक्ट जो बना रहा है बेसिकली उन्हीं के साथ में वो क्या है, उन्हीं के साथ में वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एलियन जैसा फील कर रहा है। एलियन कौन होता है भाई, जो आपका एलिनेशन का उत्पत्ति कहाँ से हुई, एक वर्ड है आपका एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है भाई, एलियन का मतलब होता है द स्टेट और एक्सपीरियंस बीइंग एलिनेटेड। एलिनेटेड का मतलब क्या है कि भाई जहाँ पर आप खुद को ना रिलेट ना कर पाओ, आप ना ऐसा महसूस करो कि जैसे आप ऑड वन आउट हो, मतलब 10 लोग हैं, 10 में से आप जो है वो आप किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, एलियन जैसा फील कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं थोड़ा और समझा दूं, अगर एलिनेशन के बारे में हम बात करें तो एलिनेशन होता क्या है, इट इज द स्टेट और एक्सपीरियंस और फीलिंग ऑफ बीइंग एलिनेटेड, ऑफ
डायरी में। आज की क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, जितने भी लोग देख रहे हैं आई प्रॉमिस यू गाइस कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, पीरियड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, यस राइट, आइसोलेटेड, सेपरेशन, बिल्कुल, आई एम फाइन महक। ठीक है, तो ये हमारा चलने वाला है इस तरीके से। उसके अलावा एलिनेशन और क्या होता है, उसके अलावा एलिनेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एलिनेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके अलावा, एलिनेशन इज अ सोशल, एलिनेशन जो होता है सोसाइटी के अंदर, इट इज अ कंडीशन इन अ सोशल रिलेशनशिप रिफ्लेक्टेड बाय अ लो डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर हर इंसान दूसरे के साथ में क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो यहां पर एलिनेशन में क्या होता है, लो डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन और कॉमन वैल्यूज। जब आपकी वैल्यूज दूसरों के साथ में मैच नहीं करेंगी, ठीक है, आपकी फीलिंग्स दूसरों के साथ में मैच नहीं करेंगी, तो आप अपने आप को क्या पाएंगे, आप अपने आप को बिल्कुल अलग अलग सा हम पाएंगे। ठीक है, वो फीलिंग जब आपके अंदर आएगी, ठीक है, या फिर और इसको क्या कह सकते हैं, या फिर और एलिनेशन को क्या कह सकते हैं, हाई डिग्री ऑफ डिस्टेंस और आइसोलेशन बिटवीन और अमंग इंडिविजुअल्स, यही होगा एलिनेशन। ठीक है, या तो अब आप क्या है, अगर मान लो जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो उनके साथ में क्या है, वो अपने गांव से निकल के यहाँ शहरों में आके काम करते हैं, और शहरों में जो लोग हैं, शहरी लोग जो हैं, वो उनके साथ में इंटररिलेट नहीं कर पाते, उनका उनके साथ में कोई सामाजिक रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो वो लोग अपने आप को क्या फील करते हैं, एलिनेटेड फील करते हैं, जैसे पता नहीं किसी दूसरे ग्रह में आ गए हों। अब मान लीजिए किसी एक बहुत छोटे से गाँव का कोई बंदा अगर न्यूयॉर्क में चला जाए, ठीक है, काम करने के लिए, मान लो कि वो पढ़ा लिखा IIT से पास आउट हुआ, सब कुछ किया, और ये सब करने के बाद में वो न्यूयॉर्क चला जाए, तो अगर वो वहाँ पर अपने सोशल रिलेशंस नहीं बना पा रहा है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, तो अगर वो सोशल रिलेशंस नहीं बना पा रहा है उस सोसाइटी में, तो क्या करेगा, फीलिंग ऑफ एलिनेशन वहाँ पर आएगी, खुद को एलिनेटेड फील करेगा, खुद को ऐसे फील करेगा जैसे मतलब उस सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है वो, ठीक है, उस कल्चर का पार्ट नहीं है वो। तो बेसिकली एलिनेशन यही होता है कि या तो आपका क्या है, सोसाइटी के अंदर लो डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन है, आप एक दूसरे से इंटररिलेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी वैल्यूज जो हैं, कॉमन वैल्यूज जो हैं, वो मैच नहीं हो रही हैं। ठीक है, एक का खाने का तरीका अलग है, दूसरे का खाने का तरीका अलग है, एक का कपड़े पहनने का तरीका अलग है, और पूरी सोसाइटी का बाकी का 10 लोगों का कपड़े पहनने का तरीका अलग है, तो क्या है, खुद को एलिनेटेड फील करोगे। जैसे कि आप यहाँ से चलो न्यूयॉर्क जाने के लिए तो आपको बहुत पढ़ला निकला भी पड़ेगा, ठीक है, आप यहाँ से मतलब एक कोई छोटी मोटी डिग्री लेके आप किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, और वहाँ पर आपका कोई सोशल ग्रुप नहीं बन पाता, तो क्या होगा, आप एलिनेटेड फील करोगे। हाँ, बसेस में, ट्रेन्स में, एवरीवेयर, मतलब बेसिकली ये ज़्यादा कहाँ होता है, फ्लाइट्स में। ठीक है, मान लो जो बंदा पहली बार फ्लाइट में गया है वो अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करेगा वहाँ पे, ठीक है, असहजता की ये जो भावना होती है वो थोड़ा सा एलिनेशन की तरफ आगे बढ़ती है, और ये तो एक इवेंट हो गया, लेकिन अगर आप सोसाइटीज़ में जिनमें रह रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ कंटिन्यूस चलती जाती है, या फिर आप अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, हाई डिग्री ऑफ डिस्टेंस है, या फिर आइसोलेशन है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के बीच में, तो ये सब क्या है, एलिनेशन को दर्शाते हैं, बिटवीन इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इन अ कम्युनिटी, जहां पर क्या है, आप एक कम्युनिटी के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में क्या है, आइसोलेट, मतलब बहुत ही डिस्टेंस में हो, हाई डिग्री ऑफ, मतलब उनके विचारों में और आपके विचारों में बहुत ही असमानताएं हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी। ठीक है, तो ये क्या है, एलिनेशन, और या फिर ये वर्किंग एनवायरनमेंट में भी हो सकता है और वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर कोई काम कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी बाहर देश में काम करने गया है, कोई फॉरेनर है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एलिनेशन को दर्शाती हैं।
आगे चलते हैं, अब फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं, 15-16 मिनट आपके निकल गए हैं। हाय अखिल। सो एलिनेशन क्या है? सोशल एलिनेशन की पहले हम बात समझ लेते हैं, फिर मार्क्स के हिसाब से समझेंगे कि एलिनेशन क्या होता है। सोशल एलिनेशन क्या है भाई? इट इज अ कंडीशन इन सोशल रिलेशनशिप रिफ्लेक्टेड बाय अ लो डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन और कॉमन वैल्यूज एंड अ हाई डिग्री ऑफ डिस्टेंस और आइसोलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप। ठीक है, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप के बीच में ये हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो होगा, या हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन होगा, सॉरी लो डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन होगा। तो ये क्या है? ये आपका सोशल एलिनेशन है। सोसाइटी में एलिनेशन इस तरीके से होता है। अरे ये तो बहुत अच्छे बंदे हैं भाई। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मार्क्स के हिसाब से एलिनेशन क्या है? अब मार्क्स ने तो सारी चीजें जो है कंपनी सोसाइटी या कैपिटलिस्ट क्लास इन सब के बारे में ही बोली है, वर्किंग क्लास लेबर क्लास इन सब के बारे में। तो इनकी जो एलिनेशन की डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि इट इज द प्रोसेस वेयर बाई द वर्कर इज मेड टू फील फॉरेन। ठीक है, किसी वर्कर को एक फॉरेनर की तरह मतलब फील कराया जाता है कि वो हमारा पार्ट है ही नहीं, हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, हमारे ग्रुप हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। टू द प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर ओन लेबर, या जो वो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था कि एक कारीगर है वो मनीष मल्होत्रा के यहाँ पर मान लीजिए आपका काम कर रहा है, जरदोजी का काम है, मतलब काफी सारी कारीगरी है मतलब जो वो अपने कर रहा है। ठीक है, अब वो एक लहंगा बना, ठीक है एक लहंगा बना और उस लहंगे के अंदर प्राइस टैग लग गया 5 लाख का या प्राइस टैग लग गया 20 लाख का। क्या ये कारीगर जिसने खुद वो चीज बनाई है, क्या ये इस चीज को अवेल कर पाएगा, क्या ये इस चीज को एंजॉय कर पाएगा, क्या ये इस चीज को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो इसका बनाया गया खुद एक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जाकर कहाँ लग गया? अगर शोरूम में लग गया तो ये जो कारीगर है वो अपने ही प्रोडक्ट के साथ में ऐसा फॉरेनर जैसा एलिनेटेड जैसा फील करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जहां पे वर्कर को ऐसा फील कराया जाता है कि उसी का बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है उसी को वो यूज नहीं कर सकता, उसी को वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, एलिनेशन का मतलब ये है इन सोसाइटी और इन द थ्योरी ऑफ मार्क्स। एलिनेशन की जो थ्योरी है वो सोशल एलिनेशन जो है वो बताया है इमैनुअल डर्खाइम ने, और मार्क्स ने क्या किया है वो सोशल एलिनेशन की जो थ्योरी को एक एलिनेशन की थ्योरी अपनी दी है जहां पर उन्होंने कैपिटलिस्ट क्लास के कैपिटलिज्म के अंदर उन्होंने डाल के इसे समझाया है कि इंडस्ट्रीज में बिजनेसेस में कैपिटलिस्ट क्लासेस कैसे एलिनेट करती हैं एक वर्कर को, उसके बनाए गए प्रोडक्ट के साथ में ही उसको क्या है एक फॉरेनर जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। सो द क्रिएशन ऑफ कमोडिटीज, आप कोई भी कमोडिटी बना रहे हो, नीड नॉट लीड टू एलिनेशन। ठीक है, कोई भी कमोडिटी कोई भी वस्तु आप बना रहे हैं वो एलिनेशन को लीड नहीं करनी चाहिए और ये हाईली सेटिस्फाइंग होनी चाहिए उस बंदे के लिए जो उसे बना रहा है। लेकिन होता क्या है कि वन पोर्स वन सब्जेक्टिविटी, एक जो एक आर्टिस्ट है, ठीक है वो एक मान लीजिए एक पेंटिंग बना रहा है, ठीक है किसी के लिए, एक बड़े पेंटर के लिए। उसने क्या है, जब आप बहुत बड़े पेंटर बन जाते हैं तो क्या करते हैं, छोटे छोटे पेंटर्स को आप हायर करते हैं, उनको आप काम पे रखते हैं, उनकी पेंटिंग्स बनाते हैं और उनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट सेलेक्ट करके उसे आर्ट गैलरी में लगाते हो। पेंटर ने आपके लिए पेंटिंग बनाई और उसको आप मंथली सैलरी दे रहे हो मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, और उसकी बनाई हुई पेंटिंग को आप आर्ट गैलरी में लगा रहे हो 5 लाख रुपए में। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक इंसान ने जो अपनी सब्जेक्टिविटी लगाई किसी आर्ट में कुछ क्रिएट करने के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अखिल हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट क्या है, ठीक है, मनी आपको भी पता है, क्रेडिट क्या है वो भी आपको पता होगा, स्टडी आईएएस पे ही अमन सर आपको इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ाते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर ये टर्म मेरे टॉपिक के अंदर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि वन पोर्स वन सब्जेक्टिविटी इन एंड ऑब्जेक्ट एंड वन कैन इवन गेन एंजॉयमेंट। एक इंसान को एंजॉयमेंट मिलना चाहिए उस चीज से, फ्रॉम द फैक्ट दैट अनदर इन टर्न गेन एंजॉयमेंट और अवर क्राफ्ट। मतलब कहने का ये है कि जब आपकी ये क्लासलेस सोसाइटी थी, जब आपका ये कैपिटलिज्म नहीं था, तो उस टाइम पर कोई भी इंसान कुछ क्रिएट करता था, कुछ क्रिएटिव बनाता था और उसको अगर कोई दूसरा इंसान खरीदता था, ठीक है उसको अगर कोई दूसरा इंसान खरीदता था तो अब हमको सेटिस्फेक्शन होता है, देखो हमारी बनाई हुई चीज को वो दूसरा खरीद रहा है और उसको भी उससे हैप्पीनेस मिल रही है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, कैपिटलिज्म आ गया और कैपिटलिज्म ने हमें क्या कर दिया, हमारी ही क्राफ्ट के लिए
अब हम क्रिएटर नहीं रहे, अब हम आर्टिस्ट नहीं रहे, अब हम क्या बन गए, वर्कर बन गए दूसरे के लिए, ठीक है। अब हम सिर्फ किस लिए काम करते हैं कि हमें हमारी मंथली वेजेस मिल जानी चाहिए, हम उससे ताकि अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो अब हम क्या हो गए, अब हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो किसके हाथ में जा रहा है, और हमारा जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है उससे कोई दूसरा एंजॉय कर रहा है, मतलब उसको हैप्पीनेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब ये क्या होता है, ये होता है वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन। तो इन कैपिटलिज्म मार्क्स का क्या कहना है कि कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, द वर्कर इज एक्सप्लॉयटेड इन सो फार एज ही डज नॉट वर्क टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट ही देन सेल टू अ रियल पर्सन, ठीक है, जो उसके सामने हो, वन टू वन वो सेल कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। इंस्टेड होता क्या है कैपिटलिज्म के अंदर, द प्रोलेटेरिएट वर्क्स, प्रोलेटेरिएट कौन होते हैं, जो आपकी वर्किंग क्लास होती है, जो आपके वर्कर है, लेबर क्लास है, वो किससे काम करते हैं, इन ऑर्डर टू लिव, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वेरी मीन्स ऑफ लाइफ, छोटे छोटे अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के, विच ही कैन ओनली अचीव बाई सेलिंग हिज लेबर टू अ कैपिटलिस्ट फॉर अ वेज। तो ये क्या करते हैं, अपनी लेबर को, पहले वो अपनी आर्ट को क्या करते थे, वन टू वन सेल करते थे, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, अपनी आर्ट को वन टू वन सेल किया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब अपनी वो आर्ट को एज अ इन द फॉर्म ऑफ लेबर किसको सेल कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट को, फॉर दी नीड ऑफ वेजेस, ठीक है। तो अब क्या है, वर्कर जो है वो अपनी ही आर्ट से क्या हो गया, इस तरीके से एलिनेटेड हो गया है, अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स के साथ में क्या है, एलिनेटेड हो गया है, फॉरेनर हो गया है अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स के लिए। सो द वर्कर इज एलिनेटेड फॉर फ्रॉम हिज और हर प्रोडक्ट प्रिसाइसली बिकॉज शी और ही नो लॉन्गर ओन्स दैट प्रोडक्ट, मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है मेरा ही नहीं है, मतलब मैं उस चीज का मालिक नहीं हूँ, लेकिन मैं वो चीज बना रहे हूँ, लेकिन उस चीज को मैं ओन नहीं करती, क्यों, क्योंकि वो तो हमारा मालिक हमसे बनवा रहा है ना, हमें उसके लिए मंथली सैलरी मिलेगी। विच नाउ बिलोंग्स टू द कैपिटलिस्ट, और अब वो किस चीज से, हमारा जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है उसका असली मालिक कौन है अभी, कैपिटलिस्ट, ठीक है, कौन ओन करता है, कैपिटलिस्ट, हु हैज परचेज द प्रोलेटेरियट्स लेबर पावर, जिसने क्या किया हुआ है, एक वर्किंग क्लास की लेबर पावर को क्या किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, हमको मंथली बेसिस पे हायर किया हुआ है, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर एक्सक्लूसिव ओनरशिप ओवर द प्रोलेटेरियट्स प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सक्लूसिव ओनरशिप किसकी, किसके पास है, कैपिटलिस्ट के पास है, और वो एक्सचेंज क्या कर रहा है हमारे साथ में, और उसको जितना प्रॉफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है, ऑल प्रॉफिट अकर्ड बाय द सेल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इन प्रोडक्ट्स की सेल करने के बाद में आ रहा है, और इन प्रोडक्ट्स को बना कौन रहा है, बना रहे हैं वर्किंग क्लास, और लेकिन इसको सेल कौन कर रहा है, इसको सेल कर रहा है कैपिटलिस्ट, और सारा प्रॉफिट किसको जाएगा, कैपिटलिस्ट को, ठीक है। सो मार्क्स का जो बिलीव था वो ये था कि देयर इज एन इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड ह्यूमन नेचर, ठीक है, एक लेबर के अंदर, लेबर क्लास के और वर्किंग क्लास के अंदर और उसके नेचर के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ही थॉट दैट दिस रिलेशन इज परवर्टेड बाई कैपिटलिज्म, और ये जो रिलेशनशिप है वो किसने खराब किया है, किसने परवर्ट किया है, ये कैपिटलिज्म के आने की वजह से क्या हुआ है, खत्म हो गया है। सो ही कॉल्स दिस परवर्टेड रिलेशन, ये जो परवर्टेड रिलेशन है इसको मार्क्स ने क्या बोला है, एलियनेशन, ठीक है। सो बेसिकली एलियनेशन जो है वो मार्क्स की अर्ली स्टडीज में से, अर्ली वर्क में से आया है ये कॉन्सेप्ट जो है, लेकिन बाद में जो मार्क्स ने जितनी भी स्टडी करी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि मार्क्स ने बहुत सारी चीजों पर स्टडी करी थी, एलियनेशन उनमें से वन ऑफ द अर्लीएस्ट स्टडी है इनकी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने काफी ज्यादा नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में स्टडी करी है, लेकिन नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में स्टडी करने के साथ साथ ही जो एलियनेशन जो है वो इनका मेन बेस रहा है, ठीक है, मेन कंसर्न जो है इनका रहा है एलियनेशन के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल एलिनेशन की, ये तो मार्क्स वाला था तो वो हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्क्स जिनसे इन्फ्लुएंस हुए, इमाइल डर्खाइम जिनका एक सोशल रिलेशनशिप की, सोशल एलिनेशन की थ्योरी थी, तो पहले ये क्या है जिसकी वजह से मार्क्स इतने इन्फ्लुएंस हुए, तो पहले आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो सोशल एलिनेशन जो है डर्खाइम ने कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो थ्योरी ऑफ एनोमी। तो एनोमी क्या है, एनोमी बेसिकली एक सोशल कंडीशन है, ठीक है, एक सेकंड रुकना, ये क्या है, ये बेसिकली एक सोशल कंडीशन है। कौन सी सोशल कंडीशन, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो कैसे, बाय सोशल कंडीशन, ठीक है, डिफाइनिंग बाय एन अपरूटिंग और ब्रेकडाउन, एन अपरूटिंग और ब्रेकडाउन
of many moral values. Of many moral values or standards or guidance. और ये गाइडेंस किसके लिए होगी? गाइडेंस फॉर इंडिविजुअल्स, गाइडेंस फॉर इंडिविजुअल्स टू फॉलो. ठीक है, तो ये एक ब्रेकडाउन है और अपरूटिंग है किस चीज की? सोशल कंडीशंस, जिनको ब्रेकडाउन कर दिया गया बाई ब्रेकिंग डाउन द मोरल वैल्यूज, बाई ब्रेकिंग डाउन द सोशल नॉर्म्स, सोशल स्टैंडर्ड्स और बाई ब्रेकिंग डाउन द गाइडेंस फॉर इंडिविजुअल्स टू फॉलो. ठीक है, तो बेसिकली ये आया कैसे? जैसे पहले मान लीजिए, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जब आपकी प्रिमिटिव सोसाइटीज होती थी, अर्लीस्ट जो सोसाइटीज थी, तो कबीलों के अंदर क्या होता है? कबीलों के अंदर ये होता है, ट्राइबल सोसाइटीज में ये होता है कि आप जो अपनी कम्युनिटी है ना, उसको छोड़ के जा नहीं सकते हो. ठीक है, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बॉबी देओल की, अर्लीस्ट मूवीज में से है बादल. बादल एक मूवी है जिसमें होता क्या है, बॉबी देओल एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, शायद ये ट्विंकल खन्ना की फर्स्ट मूवी है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है मुकेश खन्ना इसमें इनके फादर होते हैं, और ये कबीले के या एक कम्युनिटी के, जो एक पहाड़ी कम्युनिटी है उसके रहने वाले होते हैं ये बेसिकली. और बेसिकली होता क्या है इसमें कि बादल जो है, मतलब लड़के का नाम होता है बादल, बॉबी देओल का, वो पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है, लेकिन बाकी सारे लोग जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं, मतलब जो उस कम्युनिटी के लोग होते हैं, कि हमारी कम्युनिटी में से आज तक कोई बाहर नहीं गया. तुम्हें याद है डमरू करके एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, डमरू बाहर गया था और आज तक वापस नहीं आया है, ठीक है, और वो वहीं का होके रह गया, तो ऐसे करके इसको रोकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, कम्युनिटी के, किसी भी कम्युनिटी की मॉरल वैल्यूज हो सकती है, किसी भी कम्युनिटी की गाइडेंस हो सकती है, जिनको एक इंडिविजुअल को फॉलो करना होता है. ठीक है, आई होप आपने ये मूवी देखी होगी. तो बेसिकली होता क्या है, सोशल एलिनेशन को कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी के अंदर इन्होंने फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट इमैनुअल डर्खाइम ने दिया था लेट 19th सेंचुरी में. तो एनोमी डिस्क्राइब क्या करती है, लैक ऑफ सोशल नॉर्म्स, ठीक है, जो कि क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ सोशल गाइडलाइंस, मॉरल वैल्यूज. सो लैक ऑफ सोशल नॉर्म्स को ये एनोमी जो है डिस्क्राइब करती है आपका. After that, just a minute. और the breakdown of social bonds between an individual and his community ties. ठीक है, तो एनोमी क्या है, ब्रेकिंग डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल. अगर मान लीजिए अब ये बादल जो है बेसिकली फिर शहर में आ जाता है, और वहां पर ये मिलता किससे, ट्विंकल खन्ना से. ट्विंकल खन्ना से मिलने के बाद मूवी का क्लाइमेक्स कैसे होता है कि इस बादल के चक्कर में, बादल और ट्विंकल खन्ना के चक्कर में काफी इनकी पूरी कम्युनिटी को बहुत सारा, मतलब मार काट नुकसान झेलना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल सी चीज है. तो बेसिकली इट रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटी. ठीक है, इसकी वजह से, ये एनोमी की वजह से क्या होता है, सोशल एलियनेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी जो सोशल आइडेंटिटी है ना, वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है. जैसे कि आप थे ट्राइबल के रहने वाले थे, फिर आप शहर में पढ़ने गए, आपके ट्राइबल जब कम्युनिटी के अंदर आप रहते थे, जब आप ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर रहते थे, तो उस टाइम पे क्या था, आपकी मॉरल वैल्यूज, आपकी एथिक्स, आपके स्टैंडर्ड सब अलग अलग थे. आपके जो सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर जो आपकी कम्युनिटी के अंदर गाइडलाइंस थी वो अलग थी. लेकिन हुआ क्या, जब आप शहर आ गए, शहर में आके पढ़ाई करी, फिर शहर में ही जॉब करने लग गए, फिर शहर में ही शादी करके रहने लगे, और आपके जो बच्चे हैं वो उसी कल्चर में आगे पढ़े, तो अब क्या होगा, जो आपकी सोशल आइडेंटिटी थी एक ट्राइबल इंडिविजुअल वाली, वो क्या हो जाएगी, वो जो सोशल आइडेंटिटी थी आपकी ट्राइबल कंडीशन वाली, तो वो क्या है, फ्रेगमेंटेड हो जाएगी. ठीक है, अब क्या है, अब आपकी जो आइडेंटिटी है वो सोशल, सॉरी, ट्राइबल वाली नहीं रही, वो क्या हो गई, फ्रेगमेंटेड हो गई. ठीक है, मिलावट जिसको आप बोल सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू डर्खाइम है क्या, व्हेन वन इज कॉट इन अ नॉर्मलेस स्टेट, जो अब एक इंसान जो है अगर वो नॉर्मलेस स्टेट में आ जाता है सोसाइटी के अंदर, जहां वो किसी भी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर कोई भी पैरामीटर नहीं है उसके लिए, तो ये क्या इंसान क्या कर पाता है, कैन नॉट सिचुएट वन सेल्फ विद इन दैट सोसाइटी. अब क्या है, आप उस सोसाइटी में फिट नहीं हो सकते हो, आप किसी भी सोसाइटी में क्या है, फिट नहीं हो सकते हो. सो बिकम सोशली एड्रिफ्ट एंड आइसोलेटेड. अब क्या होगा, अब आप सोशली क्या है, आइसोलेटेड फील करोगे. ठीक, जैसे कि हमारे, मान लीजिए, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट एग्जाम्पल के लिए अगर देखे बोले, तो जो हमारे बिहारी लोग होते हैं वो जब महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जाते हैं,
तो वहां की सोसाइटी में फिट नहीं हो पाते बेसिकली, ठीक है। तो वो क्या है, वहां पर आइसोलेटेड, ऑब्वियसली एक टाइम पर आइसोलेटेड फील करते ही करते हैं, ठीक है। तो डर्खाइम ने कहा है कि एनोमी इज कॉमन व्हेन द सराउंडिंग सोसाइटी हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इट्स इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स। जब एक सोसाइटी जो है जिसमें आप रह रहे हो वो इकोनॉमी की वजह से उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, या तो वो बेटर हो रही है या वो वर्स हो रही है, ठीक है। आज की डेट में जब कोरोना आया तो हमारी जो है इकोनॉमी जो है क्या हुई, वर्स हुई पहले की कंडीशन से और खराब हो गई। तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो वहां से यहाँ रहने आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, तो उनको कैसा फील होगा, आइसोलेटेड फील हुआ, उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, रोजी रोटी उनकी नहीं चल पा रही है बेसिकली। वो मान लीजिए कि अगर कोई रिक्शा वाला यहाँ पर 5 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, तो यहाँ की सोसाइटी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, सोसाइटी को भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे भी सोसाइटी के कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारा इकोनॉमिक चेंजेस आए, कोरोना की वजह से इकोनॉमी क्रैश डाउन हुई, तो क्या हुआ, सबसे पहले उसकी रोजी रोटी पे असर पड़ा, और रोजी रोटी पे असर पड़ा तो बेसिकली इकोनॉमी जो है वो मेन मोटिवेशन होती है किसी भी इंसान के किसी भी सोसाइटी में काम करने के लिए, ठीक है। किसी भी इंसान का कहीं पे भी बाहर जाकर काम करने के लिए सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, उसकी मॉनेटरी अर्निंग्स, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वो लोग क्या है, एलिनेटेड फील कर रहे हैं, तो क्या है, अपना वापस चले गए अपने वहां पर गाँव में जाके, एटलीस्ट एलिनेटेड तो फील नहीं करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। दैट मीन्स कि अब जो उनका डिग्री ऑफ डिस्टेंस था, हाई डिग्री ऑफ डिस्टेंस था, उसको वो कम करके क्या कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। एटलीस्ट वहां पर भी उन्हें काम करने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपने लोगों के बीच में होंगे तो क्या है, एलिनेटेड फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो डर्खाइम ने यही लिखा कि चाहे आपकी इकोनॉमी बेटर हो या फिर वर्स हो, इकोनॉमी में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो डिस्क्रिपेंसी आती ही आती है आइडियोलॉजीज के अंदर, ठीक है, और वैल्यूज के अंदर। तो इसकी वजह से क्या है, कोई भी इंसान जो है अगर वो वहां पर फिट नहीं हो पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो एलिनेटेड फील करेगा। डर्खाइम ने अपनी राइटिंग्स में लिखा हुआ है, एट अ टाइम ऑफ सडन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे ही सडन इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है, तो सडन इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ, मास मूवमेंट हुआ ऑफ फैमिलीज फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। जब आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, लोग जो है बहुत ज्यादा मूव करने लगे रूरल एरिया से, रूरल कम्युनिटीज से अर्बन कम्युनिटीज में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब वहां पर ये लोग जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि वहां पर कुछ भी इकोनॉमिक क्रैश डाउन हो जाता है या इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम हो जाती है, तो आप अपने आप को फिट नहीं कर पाओगे वहां पर। सो दीज सोशियोलॉजिकल चेंजेस, सोशियो कल्चरल चेंजेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंडिविजुअल्स फीलिंग अनकंफर्टेबल, ठीक है। अब आप क्या फील करोगे, अनकंफर्टेबल फील करोगे विद देयर न्यू एनवायरमेंट्स एंड फीलिंग्स एज दो दे कुड नॉट इजीली प्लेस देमसेल्फ इन देयर सोशल इन द सोशल ऑर्डर, ठीक है। आप क्या है, उस सोशल ऑर्डर में खुद को फिट नहीं कर पा रहे हो। सो द जनरल प्रिंसिपल आउटलाइन बाय डर्खाइम इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनोमी कैन बी सीन इन एनी सोशल कॉन्टेस्ट इंक्लूडिंग अवर ओन। आप अपने ऊपर भी देखो कि अगर आप, जैसे एक मूवी आई थी अगर मुझे याद हो तो हाफ गर्लफ्रेंड, एक मूवी थी हाफ गर्लफ्रेंड, तो उसमें जो अर्जुन कपूर का कैरेक्टर होता है वो एक बिहारी बॉय है, मतलब जो एक बुक चेतन भगत की एक बुक के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने आप को क्या है, जो आपकी फीमेल एक्ट्रेस है श्रद्धा कपूर ने उसमें जो कैरेक्टर प्ले किया है, तो जब उनके घर में वो पार्टी में जाते हैं तो खुद को बहुत ज्यादा एलिनेटेड फील करते हैं, क्योंकि उस कल्चर के साथ में वो अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देख सकते हो सोसाइटी के अंदर। जो आजकल करंट डिबेट्स चल रही है सोशल एलिनेशन के ऊपर और एनोमी के ऊपर, वो बहुत सारे सोशल क्रिटिक्स की देन है, जो आजकल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की वजह से क्या है, इंक्रीज हो रहा है। जो आपका सोशल एलिनेशन है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की वजह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो मैनी पॉपुलर क्रिटिक्स क्या करते हैं, एंड स्कॉलर्स, इन्होंने बोला है कि इफ द डेवलपमेंट ऑफ अ मोर रोबस्टली टेक्नोलॉजिकल सोशलिटी थ्रू मैकेनिज्म सच एज फेसबुक और मल्टीप्लेयर आउटलाइन गेमिंग साइट्स और आपका यूट्यूब हुआ, इसकी वजह से लोग क्या है अपने कल्चर में रहने के बाद भी क्या है, अपने कल्चर में रहने के बाद भी एलिनेटेड फील करते हैं। क्यों, आप घर में हो, ठीक है, और आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा काम पे जाते हैं, रोज सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ठीक है,
उसके बाद होता क्या है कि आप पूरे दिन अगर अपने फोन में लगे रहो, आप अपने पूरे दिन ऑनलाइन गेमिंग साइट्स पे लगे रहो, आप अपने पूरे दिन जो है गेम्स खेलते रहो, तो क्या होगा, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, आपका तो मन उसमें लगा हुआ है, घुसे हुए हो आप, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स उसी घर में आपके साथ कैसा फील करेंगे, एलिनेटेड फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो वो चीज आती नहीं होगी, ठीक है, वो अपने आप को उस चीज के लिए फिट नहीं कर पा रहे हैं, वो हॉटस्टार नहीं चला पा रहे हैं, वो वूट नहीं चला पा रहे हैं, वो फोन पे देख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है उसके बाद क्या है, फेस टू फेस सोशलाइजेशन घर में ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स मान लीजिए वो खुद को कैसा फील करेंगे, एलियनेटेड फील करेंगे। तो अब जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है एलियनेशन की, वो क्या है, मार्क्स का कहना है कि जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, वो ह्यूमन लेबर का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कैसा ह्यूमन लेबर का प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कल आपको डिफरेंट डिफरेंट सोशल कल्चर्स के बारे में बताया था कि पहले प्रिमिटिव कल्चर था, इंसान वहाँ पे उतना काम करता था जितना उसको खाने के लिए चाहिए, फिर उसने थोड़ा सा सरप्लस जनरेट करना शुरू कर दिया, एंशियंट कल्चर आया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फ्यूडल कल्चर आया, फ्यूडल लॉर्ड्स आए, फ्यूडलिज्म आया, उसके बाद में क्या हुआ भाई, उसके बाद में कैपिटलिज्म आया, तो ये सारी चीज़ों में क्या हुआ, ह्यूमन जैसे जैसे उसका दिमाग जैसे जैसे बढ़ता गया चीज़ों को सरप्लस करने के लिए, तो ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो क्या है, प्रोडक्ट है ह्यूमन लेबर का, ठीक है, हमारा जो कल्चर है वो हमारे ह्यूमन लेबर का प्रोडक्ट है। तो ह्यूमन लेबर में क्या इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व द स्किल एंड द हार्ड वर्क ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस यूजफुल आइटम्स, ठीक है, हमारे पास पहले कंपास नहीं थी, फिर कंपास आई, शिप बिल्डिंग नहीं थी, शिप्स आ गए, व्हेन सच आइटम्स आर पुट ऑन द मार्केट, अब होता क्या है कि जब आप इन आइटम्स को बेचने लग जाते हो, ठीक है, इन आइटम्स के बदले में आप मनी जनरेट करना चाहते हो, तो दे स्टॉप बीइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजफुलनेस और ह्यूमन स्किल्स, तो वो क्या करते हैं, जो इंसान की ह्यूमन स्किल है ना उसको रिप्रेजेंट करना बंद कर देते हैं, उसकी यूजफुलनेस को बंद कर देते हैं जब आप उस चीज को मार्केट में सेल करने जाओगे। तो बेसिकली मार्क्स ने बोला क्या है, मार्क्स ने बोला है कि द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इन्वॉल्व्स अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कल हमने पढ़ा ही था कि पहले मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, टूल्स, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये सब क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है उसने क्या है, डेवलपमेंट किया है बहुत ज्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, पहले सिर्फ आप पहले आप चौक से पढ़ाते थे बोर्ड पे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे, फिर उसके बाद मार्कर आ गया, व्हाइट बोर्ड आ गए, फिर उसके बाद में डिजिटल बोर्ड आ गए, और आज की डेट में सिर्फ आपको एक डिवाइस चाहिए, दैट इज पेन टैब, और आपको अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप बिना किसी बोर्ड के आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रोग्रेसिवली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो अब होता क्या है, इट इज अ स्टडी इंक्रीज इन ह्यूमन कंट्रोल ओवर नेचर, अब क्या है, इंसान जो है ह्यूमन जो है वो क्या कर रहा है, नेचर के ऊपर कंट्रोल कर रहा है इस तरीके से। सो दिस इज पैरेलल्ड बाय द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन ह्यूमन एलियनेशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पैरेलली क्या चल रहा है, जैसे जैसे इंसान नेचर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे पैरेलली क्या चल रहा है, एलियनेशन भी बढ़ता जा रहा है। इट इज एन इंक्रीज दैट रीचेज इट्स हाइट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और सबसे ज्यादा एलियनेशन होता कहां पर है, किसी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर होता है। आज भी देखो ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर उतना ज्यादा एलियनेशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग एक क्लोज निट फैमिली की तरह रहते हैं, वहां पर किनशिप की बहुत ज्यादा वैल्यूज है, उनकी मॉरल वैल्यूज इस तरीके की है। लेकिन जो आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जितना ज्यादा आप मटेरियलिज्म के वो पीछे भागोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट्स के पीछे भागोगे उतना ज्यादा आप अपनी रूट से क्या है, एलिनेट हो जाओगे। तो बेसिकली एलिनेशन क्या है, एलिनेशन इज अ सिचुएशन इन विच द क्रिएशंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की जो क्रिएशंस है, अपीयर टू ह्यूमंस एज एलियन ऑब्जेक्ट, इंसान की ही जो क्रिएशन है वो इंसान को ही एक एलियन ऑब्जेक्ट की तरह लगती है, ठीक है। सच क्रिएशंस आर सीन एज इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर क्रिएटर्स, क्यों एलियंस लगती हैं, क्योंकि वो इंसान जो ऑब्जेक्ट है वो इंसान से इंडिपेंडेंट है। क्यों, अब मान लो मैंने क्या बनाया, मैं किसी एक कंपनी में काम कर रहे हूं, आई एम इन अ वर्किंग क्लास, मान लीजिए मैंने क्या क्रिएट किया, मैंने कुछ भी ऐसा क्रिएट किया, मान लीजिए मैंने होम डेकोर का कुछ क्रिएट किया, ठीक है, होम डेकोर का मैंने कुछ एक फैंटेस्टिक आर्ट ऑफ पीस मैंने क्रिएट किया, और वो जो है मेरे मतलब वो कंपनी के अंदर क्रिएट हुआ था, मान लीजिए होम सेंटर के अंदर वो क्रिएट हो रहा है, होम सेंटर का उस पर टैग लग गया और होम सेंटर उसको शॉपिंग मॉल्स के अंदर मतलब जो हमारे मॉल्स होते हैं वहां पर बेच रहे हैं। मेरे को जो तनख्वाह मिलती है मान लो 10,000 रुपये मिलती है,
उस पीस का प्राइस टैग क्या है, 5,000 है मान लो। अब क्या 10,000 मतलब आपका 5,000 है, 10,000 आपको महीने के खर्चे के लिए मिलते हैं, आपकी सैलरी है, क्या आप 5,000 का वो ऑब्जेक्ट खरीद पाओगे? क्या आप 5,000 का वो होम डेकोर का पीस खरीद पाओगे? नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि अब जो है आप अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट से क्या है, एलियन फील कर रहे हो। ठीक है, एलियन फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है अब हो चुका है इंडिपेंडेंट। क्रिएटर कौन थे उसके? आप थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी सारी पावर जो है, सारी पावर किसको दे दी? कंट्रोल आपको, आपने किसको दे दिया? कैपिटलिस्ट को। ठीक है, उसने वो इन्वेस्ट कर दिया मार्केट के अंदर और अब आप अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे हो। तो पीपल क्रिएट देयर ओन सोसाइटी बट विल रिमेन एलियनेटेड अंटिल दे रिकॉग्नाइज देमसेल्फ विद इन देयर ओन क्रिएशन। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकली कही गई बात है कि इंसान जो है वो अपनी खुद की सोसाइटी क्रिएट करता है लेकिन फिर खुद ही एलियनेटेड हो जाता है। और ये एलियनेशन कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम खुद ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जब तुम खुद ये अपनी क्रिएशंस को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जब तुम खुद अपने लिए काम नहीं करोगे। अंटिल दैट टाइम ह्यूमन विल असाइन एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड बी कंट्रोल्ड बाय देम। पहले के टाइम में क्या होता था, इंसान जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता था ऑब्जेक्ट्स के लिए, आइडियाज के लिए, और खुद ही उनको कंट्रोल करता था। इन द प्रोसेस दे लूज देमसेल्फ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो कैपिटलिज्म वाला प्रोसेस है इसमें क्या है, आप खुद को क्या है, लूज कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहे हो, स्ट्रेंजर बन रहे हो। जो आप वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो, जो ये बातें किसके लिए, सिर्फ उन वर्किंग क्लासेस के लिए है, उन लेबर क्लासेस के लिए है। ठीक है, अब जो है वो लेबर क्लास खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट से क्या कर रही है, स्ट्रेंजर है उन प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, कारपेट बनती है, ठीक है, कारपेट बना रहे हो और वो कारपेट मान लीजिए आपने यहां पर बनाई पानीपत के अंदर। ठीक है, पानीपत जो है वो काफी कारपेट के लिए, या फिर मिर्जापुर जो है वो कारपेट्स के लिए काफी ज्यादा माना जाता है। ठीक है, सो आपने वो कारपेट्स बनाई और कारपेट्स बना के आपने वो फैक्ट्री के अंदर मालिक ने बेच दी। अब वो मार्केट में आ गई, आप खुद उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, आप खुद स्ट्रेंजर बन रहे हो इन द वर्ल्ड दे क्रिएटेड, सो दे बिकम एलियनेटेड। इसी वजह से जो वर्किंग क्लास है वो क्या बन जाती है, एलियनेटेड बन जाती है। अब इसका जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल मार्क्स ने देके बताया रिलीजन को लेके। ठीक है, मार्क्स ने क्या बोला कि जो रिलीजन है, ठीक है, मार्क्स ने बोला कि रिलीजन जो है ह्यूमन एलियनेशन का एक एग्जांपल देता है। ह्यूमन एलियनेशन का समझ में आ रहा है ना सभी को? यस, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल्स। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल। दिस एग्जांपल ऑफ रिलीजन प्रोवाइडिंग द ह्यूमन एलियनेशन गिवन बाय द मार्क्स, सो यू कैन कोट इट इन योर आंसर। ओके, तो मार्क्स ने क्या बोला कि मार्क्स के हिसाब से मैन मेक्स रिलीजन। मार्क्स के हिसाब से इंसान, क्योंकि जो कि एक सही चीज है, इंसान ने ही रिलीजन को बनाया है। रिलीजन डज नॉट मेक मैन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने रिलीजन को क्रिएट किया है, ना कि रिलीजन ने ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है। तो मार्क्स का कहना जो है कि लेकिन होता क्या है सोसाइटी के अंदर, आप इस चीज को सुनिएगा, और ये जो एग्जांपल है आपका हरलम्बस में दिया हुआ है, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं पूरा। ठीक है, इसेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जांपल में काफी सारे वर्ड्स हैं और आपको तो 150-200 वर्ड के अंदर पूरा आंसर लिखना है, तो आपको इसका इसेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सो मार्क्स ने बोला कि इंसान जो है वो रिलीजन को क्रिएट कर रहा है, ना कि रिलीजन इंसान को क्रिएट कर रहा है। अब होता क्या है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाती है कि हम ही ने रिलीजन को क्रिएट किया है। अब आज की डेट में अगर हम अपनी कल्चर के बारे में बात करें, इंडियन कल्चर के बारे में, हमारे जितने भी भगवान हैं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, तो भाई ये देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मान लो वेद। ठीक है, वेदों से ये कॉन्सेप्ट निकला। अब ये वेद लिखे किसने हैं? एक इंसान ने। वो इंसान का नाम क्या है आपको पता होगा? वो भी तो एक इंसान थे ना। अब रामायण किसने लिखी है? रामायण एक इंसान ने लिखी है। रामायण क्या है? एक इंसान का इंटरप्रिटेशन है। ठीक है,
वाल्मीकि है, वेद व्यास है, इन सबका क्या है, इंटरप्रिटेशन है, महाभारत इंटरप्रिटेशन है वेद व्यास का। तो ये क्या है, एक इंसान ने जो है ये सारी चीजें क्रिएट करी है, ना कि सॉरी यार ये तो मुट गया, ठीक है, इंसान ने ये सारी चीजें क्रिएट करी है, ना ही ना कि इन रिलीजन्स ने। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो है वो उत्पत्ति जो है वो ऊपर से हुई थी, ठीक है, आसमान से टपके ये सारे रामायण और महाभारत, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये चीजें जो हम रिकॉग्नाइज करने में क्या है, फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा घुस चुके हैं इन सारी चीजों में कि हम खुद से एलिनेटेड हो गए हैं, खुद से हम क्या है दूर हो गए हैं, अपनी अपने इंडिविजुअलिज्म से दूर हो गए हैं हम। और क्या है, हम जितना ज्यादा रिलीजन के अंदर घुसेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को खो देंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। वही चीज बोली जाती है कि जितना ज्यादा तुम भगवान में लीन हो जाओगे उतना ज्यादा तुम आपको, मैं को, अहंकार को खत्म कर दोगे, ठीक है, ऐसा बोला गया है इन शास्त्रों में, इन वेदों में। लेकिन होता क्या है, उतनी ज्यादा आपकी लॉजिकल, जितना ज्यादा आप धर्म के अंदर जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी, जैसे जैसे धर्म के अंदर आपका बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट, वैसे वैसे आपकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है खत्म होती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या है आपकी लॉजिकल रीजनिंग खत्म होती जाएगी, अंधविश्वास बढ़ता जाएगा, ठीक है, या फिर आपका जो फेथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेबर एंड ह्यूमन नेचर के बीच में क्या रिलेशन है? ओहो, तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब मैं बिल्कुल वापस जाऊं, ठीक है, मैं आपको ये चीज आगे बताऊंगा, आप ध्यान से बस क्लास को देखो, आपको समझ में आएगा लेबर और ह्यूमन नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अब होता क्या है, द मोर पीपल इन्वेस्ट इन रिलीजन, ठीक है, जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा क्या होगा भाई, द मोर दे लॉस देमसेल्फ, द मोर इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स लॉस देमसेल्फ, ठीक है, तो उतना ज्यादा क्या होगा, आप अपने आप को खो दोगे। तो ये मार्क्स ने ये चीज बोली और ये हर सोसाइटी के ऊपर होती है। अब जैसे मैंने हिंदुओं का बताया कि भाई वेद हैं, शास्त्र हैं, ये दुनिया भर की चीजें हैं, वैसे ही हम बात करते हैं कुरान की। 600 AD में मुस्लिम धर्म स्टार्ट हुआ था, मोहम्मद पैगंबर क्या है एक गुफा के, मतलब मुझे जितना पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, तो प्लीज इस चीज को उस तरीके से मत लेना, उतना मतलब क्या है, एक मेडिटेशन करने के अंदर अंदर गए एक गुफा के अंदर और वहां पर से निकल के आए और उन्होंने कुरान नाम की एक बुक दी, ठीक है, और क्या बोला कि एक फरिश्ता था, क्या नाम था उसका मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, कि उस फरिश्ते ने मुझे ये बुक दी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, और फिर उसके बाद एक नया धर्म बन गया, लोग कुरान में मानने लगे, सब कुछ होने लगा। फेथ आपका जितना ज्यादा उसके अंदर जाएगा उतना ज्यादा आप अपनी लॉजिकल आइडेंटिटी को खो देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मार्क्स ने यही बोला, इन असाइनिंग देयर ओन पावर टू सुपरनेचुरल बींग्स। अब देखो इंसान करता क्या है, इंसान क्या करता है, मान लीजिए ये है गॉड और ये है बेचारा आपका इंसान, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी जितनी भी पावर्स हैं सारी पावर्स किसके हाथ में दे देते हैं हम, गॉड के हाथ में, सुपरनेचुरल पावर्स के हाथ में, सुपरनेचुरल पावर नहीं बोला गया इसको, मार्क्स ने इनको बोला है सुपरनेचुरल बींग्स, ये हैं आपके सुपरनेचुरल बींग्स और ये हैं आपके ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं, अपनी पावर को सुपरनेचुरल बींग के अंदर दे रहे हैं, सुपरनेचुरल बींग को दे रहे हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं, पीपल बिकम एलिनेटेड फ्रॉम देमसेल्फ, ठीक है। मार्क्स ने ये बोला, रिलीजन जो है आपका, रिलीजन मार्क्स के हिसाब से क्या बोलता है, रिलीजन जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ये कोई इंटरनल फोर्स नहीं है, इंटरनल फीलिंग नहीं है, इंटरनल आपकी वैल्यूज नहीं है, ये एक्सटर्नली। भाई कोई बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ हिंदू के घर में, ठीक है, अगर ये इसका इंटरनल फोर्स होता तो अगर आप उसको किसी सिख के घर में या किसी मुस्लिम के घर में, ठीक है, किसी के भी घर में दे दो और उसकी परवरिश वहां पर हो रही है, तो अब ये बच्चा किस चीज को फेथ करेगा, किस चीज को फेथ करेगा, या ये मुस्लिम कल्चर को फेथ करेगा, ठीक है, या ये सिख कल्चर को फेथ करेगा, या ये क्रिश्चियन कल्चर को फेथ करेगा, क्योंकि ये जो आपका रिलीजन है वो एक्सटर्नल फोर्स है। अगर ये इंटरनल फोर्स होता तो मैं अगर मुस्लिम घर में पैदा हुई हूँ और अगर मेरी डे वन से जो मेरी परवरिश है किसी हिंदू घर में होती तो फिर भी मेरे अंदर वही चीजें होती जो एक मुस्लिम कल्चर के अंदर होती हैं, अगर ये इंटरनल फोर्स होता तो। लेकिन रिलीजन क्या होता है, रिलीजन एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि कंट्रोल करता है
ह्यूमन डेस्टिनी हो। ऐसा किसका मानना है? ऐसा हम लोगों का मानना है कि जो हमारा रिलीजन है, हमारा धर्म जो है, वो हमारे भाग्य को कंट्रोल कर रहा है। मार्क्स का, मार्क्स ने ये चीज बताई, बट रियलिटी में होता क्या है? बट इन रियलिटी क्या होता है? इट इज ह्यूमन मेड, इट इज मैन मेड। ठीक है, जो आपका रिलीजन है वो क्या है? ह्यूमन मेड है। तो रिलीजन क्या है बेसिकली, अगर मैं इसमें आपको और बताऊं तो मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी में बोला है, तो रिलीजन इज अ रिफ्लेक्शन, रिलीजन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मोर फंडामेंटल सोर्स ऑफ एलियनेशन, सोर्स ऑफ एलियनेशन। तो मार्क्स के हिसाब से रिलीजन क्या है? एक फंडामेंटल सोर्स ऑफ एलियनेशन है, क्योंकि इंसान ये, अगर आप किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात मत करो, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री की बात मत करो, किसी वर्किंग क्लास किसी कैपिटलिस्ट की बात मत करो, अगर आप सोसाइटी में अपने घर में ही हो, अगर जो बच्चा है, अगर कोई बच्चा बचपन से रिलीजन में उसको बहुत ज़्यादा घुसाया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है कि बेटा पूजा करो, सुबह ये करो, दोपहर में ये करो, मतलब खाना खाने से पहले मंत्र पढ़ो, ये करो, बहुत सारी चीज़ें, तो वो बच्चा खुद को ऐसे कभी लॉजिकली एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना हो ना सुना हो, नचिकेता का नाम किसी ने अगर सुना होगा तो उनके बारे में आपको पता होगा। नचिकेता की एक स्टोरी है, वो स्टोरी ये है कि नचिकेता एक ब्राह्मण के पुत्र थे, मतलब काफ़ी बड़े संत थे, उनके एक पुत्र थे, तो उनको मतलब कल्चर उन्होंने सिखाया, जैसे कि अब फिर एक टाइम के बाद उनके पिता ने उनसे पूछा कि भगवान क्या है। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए वो इतने सारे लोगों के पास गए कि नचिकेता ने अपनी ही लाइफ टाइम में शायद 23 या 24 गुरु बदले थे। हाँ, मार्क्स के अकॉर्डिंग उतने ही हम स्लो होते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट इज एन एसेंशियली अ प्रोजेक्शन ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो मार्क्स के हिसाब से क्या है? रिलीजन जो है, मार्क्स के हिसाब से अ प्रोजेक्शन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब आ गई सारी चीजें घूम फिर के मार्क्स की, प्रोडक्शन के ऊपर ही आ जाती हैं। ठीक है, सो इफ पीपल आर फाइंडिंग देमसेल्फ एंड अबॉलिश इल्यूजन ऑफ रिलीजन, अगर लोग खुद को फाइंड कर लेते हैं, अपने आप को पा लेते हैं, और जो आपका रिलीजन का जो इल्यूजन है, ठीक है, इल्यूजन क्या होता है? जो चीज़ एक्चुअल में है नहीं, लेकिन आपने क्रिएट कर रखी है ऐसी, मतलब आपने ऐसा बना रखा है कि ये चीज़ है हमारे आसपास। ठीक है, तो अगर हम रिलीजन से ऊपर उठ जाते हैं, खुद को पा लेते हैं, तो अब क्या होगा? अगर हम इस कंडीशन को अबेंडन कर दें तो हम क्या करेंगे? ह्यूमैनिटी जो है वो इरेडिकेट कर देगी सोर्स ऑफ एलिनेशन को। If people are to find themselves and abolish the religion, ठीक है, they eradicate the source of alienation। अगर इस चीज को ना मैं थोड़ा सा मोल्ड करके आपको एक बात बताऊं, हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम मतलब इस्लाम रिलीजन है, सिख रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, हम सब ने क्या किया हुआ है? इंसान को क्या जो है, हाई क्रांति, इंसान को रिलीजन्स में ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से क्या है, हम लोगों के बीच में ना एलिनेशन की भावना रहती है। ठीक है, हम लोग एक दूसरे से एलिनेटेड रहते हैं। अगर हम इस रिलीजन से ऊपर उठ जाएं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब चीज़ों से अगर हम ऊपर उठ जाएं, तो हमारा ये जो सोर्स ऑफ एलिनेशन है वो हम उसको क्या कर देंगे? इरेडिकेट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। समझ में आई ये बात? मार्क्स के हिसाब से अगर आप इस चीज़ को सोसाइटी में भी लगाते हो, सोशल एलिनेशन भी देखते हो, अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे ऊपर उठ जाएं, रिलीजन से ऊपर उठ जाएं, तो हम जो एलिनेशन की भावना है उसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ये जो एलिनेशन का सोर्स है उस सोर्स को खत्म कर देंगे।
अगर हम कास्ट से ऊपर उठ जाएं, अगर हम किसी एक धर्म के अंदर की ही बात करते हैं कि हम कास्ट वगैरह से सबसे ऊपर उठ जाएं, ठीक है, ब्राह्मण है, बनिया है, मुस्लिम है, सॉरी ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, एससी है, एसटी है, ठीक है, इन सबसे ऊपर उठ जाएंगे अगर हम, तो हम क्या है, ये सोर्स ऑफ एलिनेशन को ख़त्म कर देंगे। मुस्लिम्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती होंगी, सिया है, सुन्नी है, बहुत सारी डेविएशन और होती होंगी, सिखों में भी होती हैं, क्रिश्चियंस में भी होती हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, ये सब चीज़ें किसकी वजह से क्रिएट हुई हैं, धर्म की वजह से क्रिएट हुई हैं। अगर हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं तो क्या होगा, ये सोर्स ऑफ एलिनेशन खत्म हो जाएगा और ह्यूमैनिटी आफ्टर मतलब दिस थिंग ह्यूमैनिटी विल सर्वाइव। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, ये तो मार्क्स ने रिलीजन का एक एग्जांपल दिया था, अब मार्क्स फिर से आ गए हैं अपनी वर्किंग क्लास के ऊपर। ठीक है, तो मार्क्स के हिसाब से जो आपका प्रोडक्टिव लेबर है, ठीक है, वो क्या है, वो प्राइमरी है। प्रोडक्टिव लेबर जो है, मतलब जो इंसान लेबर करता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या है, इंसान की एक प्राइमरी ह्यूमन एक्टिविटी है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, भाई अपना पेट भरना है। ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल ऑब्जेक्टिफाई देमसेल्फ। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को बनाते बनाते इंसान ने खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर लिया है। ठीक है, जैसे आप मूवीज बनाते बनाते हुआ क्या है, हर एक्टर का और एक्ट्रेस का अपना एक क्या चल रहा है, रेड कार्ड चल रहा है। तो उन्होंने खुद को क्या कर लिया है, ऑब्जेक्टिफाई कर लिया, वो भी अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एक प्रोड्यूसर के लिए जो मूवी बना रहा है। देन दे लूज देमसेल्फ इन द ऑब्जेक्ट, खुद को ऑब्जेक्ट्स के अंदर खो दिया है। द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन देन रिजल्ट इन ह्यूमन एलियनेशन, इसी की वजह से क्या हुआ, ये जो एक्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी वजह से क्या रिजल्ट आया, ह्यूमन एलियनेशन का आया। दिस अकर्स व्हेन पीपल रिगार्ड द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लेबर एज कमोडिटीज। ठीक है, इंसान जो है अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ऐसे रिगार्ड करता है, ऐसे समझता है कि एज कमोडिटीज, खुद को मतलब अपने दिए अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को एक कमोडिटी, एक वस्तु समझता है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी आर्ट को, जो आर्ट है, मान लीजिए कोई एक आर्टिस्ट है, कोई एक डांसर है, कोई है एक एक्टर है, ठीक है, कोई एक पेंटर है, आर्टिस्ट के अंदर सब आ गए। तो ये आर्टिस्ट अगर अपनी आर्ट को, ठीक है, अगर अपनी आर्ट को, ये डांसर का डांस क्या है, उस पर कोई प्राइस टैग लगा सकता है क्या, नहीं लगा सकता, क्योंकि एक आर्ट है। लेकिन यही डांसर अगर शोज करने लग जाए और शोज के पैसे मांगे, तो इसने अपनी आर्ट को क्या कर दिया, कमोडिफाई कर दिया। इनको बोलते हैं इनटेंजिबल कमोडिटीज। टेंजिबल कमोडिटीज वो होती हैं जिनको आप छू सको, जैसे ये गिलास है, जैसे ये फोन है, ये टेंजिबल कमोडिटीज हैं। इनटेंजिबल कमोडिटीज वो होती हैं जिनको आप छू ना सकें, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, लेकिन फिर भी आप उसके पैसे चार्ज कर रहे हो। जैसे मैं आपको यहां पर पढ़ा रहे हूं, ठीक है, क्या एक्चुअल फॉर्म में कोई चीज आपके पास पहुंच रही है, क्या आपके पास नोट्स पहुंच रहे हैं रिटन फॉर्म में, नहीं पहुंच रहे, क्या आपके पास कोई नोटबुक कोई बुक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी सर्विस दे रही हूं, ठीक है, आप मेरी सर्विस ले रहे हो, आप उस चीज के लिए पे नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इस सर्विस को क्या है, कमोडिफाई किया हुआ है। ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर क्रिएशन आर सीन टू कंट्रोल देयर एग्जिस्टेंस, और इसी की वजह से क्या है, जो इनकी क्रिएशन है वो इनको कंट्रोल करती है। एक डांसर का जब मन करता है, जब उसका खुद का मन बहुत खुश होता है, तब वो जो डांस करेगा उसमें, और अगर वो पैसे लेके कोई शो कर रहा है उस डांस में, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि जब वो इंसान खुद खुश है और उसके बाद वो अपने घर में कहीं पर भी डांस कर रहा है, कोई डांसर है, या जो पेंटर पेंटिंग कर रहा है अपना दिल खुश करने के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए, तो वो उसका इम्पर्सनल फोर्स है। लेकिन अगर वो उस चीज को सेल करने लग जाए, तो ये अब कहाँ पे बाउंड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में बाउंड हो गया। अब वो आर्टिस्ट किस चीज में बाउंड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अंदर। ठीक है, ओवर विच दे हैव लिटिल और नो कंट्रोल, जिसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब अगर डिमांड आ रही है तो आपको चीज बनानी पड़ेगी, अब अगर शोज आ रहे हैं तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, आपने मान लीजिए 2 महीने पहले किसी शो की बुकिंग ले ली थी, और 2 महीने बाद आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपने बुकिंग ले ली है, तो आप क्या है, आपको वो शो करना पड़ेगा, नहीं अगला बंदा आप पे केस कर देगा, तो अब आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सो इन मार्क्सेस वर्ड द ऑब्जेक्ट दैट लेबर प्रोड्यूस, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो कोई लेबर प्रोड्यूस करता है, इट्स प्रोडक्ट, मतलब अब क्या हो गया, वो उसका प्रोडक्ट हो गया, कन्फ्रंट्स इट एज एन एलियन बींग, वो प्रोडक्ट क्या कर देता है, उस लेबर को एक एलियन बींग बना देता है। ठीक है, समझ में आया। सो एज अ पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोड्यूसर, एज अ पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोड्यूसर,
इन दिस वे पीपल आर एस्ट्रेंजेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स दे प्रोड्यूस. इंसान जो है अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट से क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है. विमुख नहीं, एस्ट्रेंज्ड को और क्या बोलेंगे, मैं एक सेकंड आपको बताते हूँ. एस्ट्रेंज्ड को बेसिकली वही है उसका मीनिंग भी, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ राइट्स. ठीक है, इंसान जो है वो अपने जो बनाए हुए प्रोडक्ट के राइट्स हैं उनको ट्रांसफर कर देता है. उसके राइट्स उसके पास है नहीं, वो उसका मालिक नहीं है. सो दे बिकम एलिनेटेड फ्रॉम द मोस्ट वाइटल ह्यूमन एक्टिविटी. तो बेसिकली लाइन शुरू हुई थी कि जो प्रोडक्शन लेबर है, ठीक है, प्रोडक्टिव लेबर है, वो इंसान की प्राइमरी ह्यूमन एक्टिविटी है. लेकिन इसी एक्टिविटी को, इसी प्रोडक्शन को, इसी प्रोडक्ट को आपने अगर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अंदर डाल दिया, पैसे के लिए डाल दिया, कमोडिटी की तरह बना दिया, तो अब क्या करोगे आप, अपनी उसी प्राइमरी एक्टिविटी से क्या हो जाओगे, एलिनेटेड हो जाओगे. आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटी थी उसी से क्या आप हो जाओगे, प्रोडक्टिव लेबर जो क्या है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है उसी से क्या हो जाओगे, आप एलिनेटेड हो जाओगे. तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि प्रोडक्टिव लेबर इज अ प्राइमरी मोस्ट वाइटल ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, सो बट हाउ कैन इट बिकेम एलिनेटेड अ पर्सन और अ लेबर. ठीक है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्टिव लेबर जो है एक प्राइमरी ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन यही ह्यूमन एक्टिविटी एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से एलिनेट कर सकती है, आप उसके बारे में बताएं. ठीक है, और यहां पर कहीं पे भी मार्क्स का नाम नहीं दिखा होगा, दिया होगा, बट आपको ये पूरी चीज जो है वो वहां पे लिख के आनी है. ठीक है, इसी चीज को आपको समझाना है. अब आप देखिए, अब मार्क्स ने एक तो प्रोडक्टिव उसके बारे में बता दिया, प्रोडक्शन के बारे में बता दिया. मार्क्स ने एलिनेशन को कैसे जोड़ा कैपिटलिज्म से, वो मैं आपको बताते हूँ कि आपके मार्क्स के हिसाब से क्या है कि एलिनेशन जो है, एलिनेशन किसी भी सोसाइटी में देखो बंद हो गया. एलिनेशन रिलीजन की वजह से भी आ गया, एलिनेशन आपकी प्रोडक्टिव एबिलिटी इसकी वजह से भी आ गया. ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से भी आ गया. लेकिन ये एलिनेशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस सोसाइटी में होता है, आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में. ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये आपका जो एलिनेशन है वो हाईएस्ट होता है. ठीक है, जहां पर लेबर को डोमिनेट करने वाली एक अलग से फोर्स आ जाती है. लेबर इज डोमिनेटेड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज द डिमांड फॉर प्रॉफिट. तो लेबर को डोमिनेट कौन करता है भाई, कैपिटलिस्ट. और कैपिटलिस्ट की डिमांड क्या होती है, डिमांड फॉर प्रॉफिट, जिसके लिए वो क्या करते हैं, लेबर को डोमिनेट करके रखते हैं. ठीक है, लेबर को सप्रेस करके रखते हैं. सो दीज रिक्वायरमेंट डिटरमाइन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस. तो इन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कैपिटलिस्ट क्या डिसाइड करता है, आपका एम्प्लॉयमेंट कितना देगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, और आपको जो मिलने वाली वेजेस हैं उनका लेवल क्या है. ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, फिर कैपिटलिस्ट डिसाइड करेगा. द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, कि भाई आपके जो गुड आप बना रहे हो, जो आपकी आर्ट थी जिसको आप क्रिएट कर रहे थे, जो आप प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए. ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, कैपिटलिस्ट. और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितने प्रोडक्ट आपको बनाने हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, वो भी कौन डिसाइड करेगा, कैपिटलिस्ट. एंड द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये भी कौन डिसाइड करेगा, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कौन डिसाइड करेगा, ये भी कैपिटलिस्ट डिसाइड करेगा. तो कैपिटलिस्ट ने क्या किया, हर तरीके से आपको, हर तरीके से एक लेबर को, हर तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को जो प्रोड्यूस कर रहा था, एक प्रोड्यूसर था, उसको हर तरीके से क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया. ठीक है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो वर्कर सी देमसेल्फ एज अ प्रिजनर ऑफ मार्केट. अब वर्कर को कैसा लगेगा, एक वहां पर ना वो अपनी प्रॉफिट डिसाइड कर पा रहे हैं, ना अपनी वेजेस डिसाइड कर पा रहे हैं, ना अपने एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिसाइड कर पा रहे हैं, ना क्वांटिटी डिसाइड कर पा रहे हैं, ना क्वालिटी डिसाइड कर पा रहे हैं, ना किस तरीके से बनाना है ये डिसाइड कर पा रहे हैं. तो वर्कर कुछ नहीं कर पा रहा, वर्कर सिर्फ एक क्या बन के रह गया, मशीन बन के रह गया है, ह्यूमन लेबर, ह्यूमन मशीन बन के रह गया. और वो खुद को किस तरीके से देखेगा, अब प्रिजनर ऑफ मार्केट. क्यों, प्रिजनर ऑफ मार्केट फोर्सेस ओवर विच दे हैव नो कंट्रोल. दे आर सब्जेक्ट टू इम्पर्सनल मैकेनिज्म ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. वो क्या थे, पहले अपनी खुद की मैकेनिज्म, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के मालिक थे. मतलब जितनी सप्लाई आएगी, जितनी डिमांड होगी, उतना ही हम बनाएंगे, उतनी ही सप्लाई करेंगे. लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास ने क्या किया, कैपिटलिस्ट क्लास ने सरप्लस जनरेट करने के चक्कर में उनका इतना एक्सप्लॉयटेशन किया है, इतना एक्सप्लॉयटेशन किया है कि अब वो किसके ऊपर जी रहे हैं, लेबर क्लास जो है, वर्किंग क्लास इज नाउ एट द मर्सी ऑफ पीरियोडिक बूम्स एंड स्लंप दैट कैरेक्टराइज्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, अब जो आपका
मालिक है, जो आपका बिजनेसमैन है, जो आपका कैपिटलिस्ट है, उसकी इकोनॉमी के बूम पे और स्लंप के हिसाब से, मतलब उतार और चढ़ाव के हिसाब से जो है अब आपकी वर्किंग क्लास जी रही है, ठीक है, उसी हिसाब से क्या है प्रोडक्ट बनाएंगे और उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाना कम करेंगे। सो द वर्कर्स देयरफॉर लूज कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट्स दे प्रोड्यूस एंड बिकम एलिनेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट एंड द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। देयर वर्क बिकम अ मीन टू एन एंड, अ मीन्स टू ऑब्टेन मनी। अब उनका जो काम है सिर्फ उसका एक ही वजह है, उसका एक ही पर्पज है, टू अर्न, टू ऑब्टेन मनी, टू बाई और टू बाई द गुड्स एंड सर्विसेज और टू बाई द डेली नीड्स, टू फुलफिल द डेली नीड्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो अनेबल टू फुलफिल देयर बींग्स इन अ प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर। अब जो इंसान है, जो वर्किंग क्लास है, वो अनेबल है अपनी प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लेबर को फुलफिल करने के लिए, वो क्या है, अनेबल है। द वर्कर्स बिकम एलिनेटेड फ्रॉम देमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयर फोर द मोर द वर्कर प्रोड्यूस द मोर दे लूज देमसेल्फ। ठीक है, वही हमने रिलीजन में कहा था कि जितना ज्यादा आप घुसोगे उतना ज्यादा आप खुद को भूल जाओगे, खुद से उतने ही ज्यादा आप खो जाओगे। वैसे ही है कि जितना ज्यादा एक वर्कर प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा वो अपनी आइडेंटिटी को खो देगा। सो इन मार्क्स वर्ड्स, मार्क्स के वर्ड्स में अगर बोले तो द ग्रेटर दिस प्रोडक्ट द लेस ही इज हिमसेल्फ। ठीक है, जितना ज्यादा ये प्रोडक्ट बनेंगे, ग्रेटर द प्रोडक्ट्स लेस ही और शी इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एलियनेशन। समझ में आया इतना? एक घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब देखते हैं कॉजेस क्या हैं इस एलिनेशन के, जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं, बाकी साफ सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा आई होप, हमने इतना अच्छे से डिस्कशन किया है इसके ऊपर। सो अगर आपको कभी कॉजेस पूछ लेता है, कभी फैक्टर्स पूछ लेता है, कभी काइंड्स पूछ लेता है, तो वो सब मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। ठीक है, तो कॉजेस क्या हैं इस एलिनेशन के, इस एलिनेशन के जो कॉजेज हैं, वर्किंग और लिविंग विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। ठीक है, या तो आप कैपिटलिस्ट सिस्टम में काम कर रहे हो या उसमें रह रहे हो कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, तो उसके तो रीजंस हैं ही एलिनेशन के, लेकिन उसके अलावा भी जो एलिनेशन के हैं वो मैंने आपको बताया, इकोनॉमी का बूम और इकोनॉमी का स्लंप। ठीक है, वही यहाँ पर एक पहला कॉज है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इज अ कॉज ऑफ एलिनेशन, सो विच टेंड्स टू गो विद इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड टू लीड व्हाट टू डर्काइम स्टेड एनोमी, अ सेंस ऑफ नॉनलेसनेस दैट फॉस्टर सोशल एलिनेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी जो है अनस्टेबल रहती है, ठीक है, इकोनॉमी जो है आपकी अनस्टेबल रहती है, तो सोशल अपहेविल जब होता है, मतलब सोसाइटी के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, इंसान जो है उसमें फिट नहीं हो पाता, खुद को उस तरीके से मोल्ड नहीं कर पाता, तो नॉर्मलेसनेस फील करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोशल एलिनेशन होता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि एक इंसान दूसरी जगह पर काम करने जा रहा है, आइदर इन अ सेम कंट्री और आइदर विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, तो वो क्या है, वहाँ पर जैसे माइग्रेंट की तरह काम कर रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, अगर इंसान एक जगह से दूसरी जगह काम करने जा रहा है, फ्रॉम रूरल सोसाइटी टू अर्बन सोसाइटी, कंपैरेटिवली रूरल टू कंपैरेटिवली अर्बन सोसाइटी, सो इट कैन ऑल्सो डीस्टेबलाइज द पर्सन्स नॉर्म। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इंसान खुद भी क्या हो जाता है, डीस्टेबलाइज हो जाता है खुद की नॉर्म्स से, खुद की प्रैक्टिसेस से एंड खुद के सोशल रिलेशन से। ठीक है, प्रैक्टिसेस इज लाइक, आप गांव में रहते हो, ठीक है, आप रोज नदी में नहाने जाते हो, ठीक, अब आप लंदन पहुंच गए, वहां पे भी थेम्स नदी है, यहाँ पे गंगा नदी थी, गंगा नदी में आप रोज नहाने जाते थे, थेम्स नदी में आप नहा नहीं सकते, वहां डुबकियां नहीं मार सकते आप, तो क्या है, डीस्टेबलाइज हो गए, आपकी प्रैक्टिसेस जो है वो डिस्टेबलाइज हो गई, सोशल रिलेशंस जो है वो भी डिस्टेबलाइज हो गए इन सच अ वे एज टू कॉज सोशल एलिनेशन। तीसरा क्या है, मान लो जैसे सोशियोलॉजिस्ट हैव आल्सो डॉक्यूमेंटेड दैट डेमोग्राफिक चेंजेस कौन से होते हैं भाई, विद इन अ पॉपुलेशन, बताएंगे जरा आप, जैसे जो डेमोग्राफी होती है वो क्या होती है, वो सोशल आइसोलेशन को लीड करती है, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ रेस, ठीक है, ह्यूमन रेस
कि जो डेमोग्राफी है, रिलीजन की जो डेमोग्राफी है, मैंने वही बताया आपको, हिंदी मुस्लिम सुख, हिंदू मुस्लिम सुख, सिख ईसाई, तो जहां पर ये रिलीजन होगा, ये डेमोग्राफीज हैं एक सोसाइटी की, सोसाइटी में रेस, रिलीजन, कास्ट, वैल्यूज, व्यूज, ये सब क्या है, एक सोसाइटी की डेमोग्राफीज को दिखाते हैं। तो अगर जैसे जैसे ये डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, अभी मान लीजिए आप रहते हैं हरिद्वार में, ठीक है, या आप रहते हैं ऋषिकेश में, ऋषिकेश में रहते हैं और फिर आप जॉब करने के लिए गल्फ कंट्री चले जाते हैं, मान लीजिए आप सऊदी अरब चले जाते हैं, तो आपकी डेमोग्राफी चेंज हो गई। यहाँ पे आप रह रहे थे संत महात्माओं के बीच में, ठीक है, वहां पे आप रह रहे हैं एक अलग कम्युनिटी के साथ में, डेमोग्राफी चेंज हुई, तो आप खुद को कैसा एलिनेटेड फील करोगे, आइसोलेटेड फील करोगे, जेंडर ऑल्सो, राइट, करेक्ट। सो सोशल एलिनेशन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम द, या फिर मान लीजिए कोई सऊदी का बंदा है और वो आ जाता है आपका ऋषिकेश में, ऋषिकेश में आई डोंट थिंक कि कोई भी एक नॉन वेज रेस्टोरेंट है, जितना मुझे पता है ऋषिकेश में कोई भी नॉन वेज रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है। तो अगर कोई सऊदी का बंदा ऋषिकेश आ जाता है तो वह सबसे पहली चीज तो भाई पेट भरने की ही दिक्कत आ जाएंगी, क्योंकि नॉन वेज जो खाते हैं, मतलब आइदर हिंदूज भी खाते हैं, ब्राह्मण्स भी खाते हैं, सिख्स भी खाते हैं, हर कोई खाता है, ठीक है, जो भी नॉन वेज खाता है उसके हिसाब से जो वेजिटेरियन खाना खाने वाला है वो तो घास फूस खाता है, ठीक है, तो वो खुद को क्या फील करेगा, एलिनेटेड फील करेगा। सो ऑल्सो इट इज अ रिजल्ट फॉर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग, ठीक है, जो आपका लिविंग के एक्सपीरियंस है एट द लोअर रंग्स ऑफ सोशल हायरार्की ऑफ रेस एंड क्लासेस। चौथा इसका क्या कॉज हो सकता है कि मैनी पीपल फेस सोशल एलिनेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिस्टमैटिक रेसिज्म, ठीक है, ब्लैक वर्सेज वाइट, है ना, समझ रहे हो, ब्लैक वर्सेज वाइट, तो क्या है, सोशल एलिनेशन होगा। पुअर पीपल, अगर आप हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं और आप साउथ से बिलोंग करते हैं, जो कि वहाँ पर साउथ की जो पिगमेंटेशन होता है स्किन का वो डार्क होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी डेमोग्राफी की वजह से, उसमें किसी का किसी जीन्स का या किसी हेरिडिटरी का कोई रीज़न नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी डेमोग्राफी ऐसी है, क्योंकि जो हमारा इंडिया का साउथ पार्ट है या जो वर्ल्ड का साउथ पार्ट है वहाँ पर क्या है, सन के यूवी रेजेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है वहाँ पे जो पिगमेंटेशन है वो डार्क होता है। अगर आप मान लीजिए उसके बाद आप चले गए कहीं पे लद्दाख वद्दाख और वहाँ आप पढ़ रहे हो, या फिर आप चले गए किसी यूरोपियन कंट्री में, तो जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती हैं आपके अर्थ के, तो वहाँ पर क्या है भाई, गर्लफ्रेंड बनाने में, बॉयफ्रेंड बनाने में कितनी दिक्कतें आएंगी, आप सब समझ सकते हो, तो सोशल एलिनेशन हो जाएगा आपका वहाँ पे, कोई लड़की या कोई लड़का अपोजिट सेक्स को भाव ही नहीं देगा। सो बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली अनेबल टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी इन अ वे दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। समटाइम्स क्या होता है सिस्टमैटिक रेसिज्म में, क्या होता है आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, पॉवर्टी भी एक रीजन हो सकती है कि आप जो है जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसके हिसाब से आप उतना खर्चा नहीं कर पा रहे हो, उतने आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो सोसाइटी के कल्चर को, तो खुद को क्या है आप एलिनेटेड फील करोगे। अब काइंड्स ऑफ एलिनेशन क्या है, काइंड्स ऑफ एलिनेशन बेसिकली चार तरीके के एलिनेशन हो सकते हैं। पहला अगर आप बात करें तो मार्क्स ने अपनी ये जो थ्योरी सजेस्ट करी है एलिनेशन की, वो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के ऊपर क्रिएट करी है, तो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन इनके हिसाब से क्या करता है, एलिनेशन क्रिएट करता है चार तरीके से। कैसे, पहला तरीका है कि दे आर एलिनेटेड, मतलब पीपल्स आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर ओन स्पीसीज बीइंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स होता क्या है, सेटिस्फाइंग वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक इंसान के लिए एसेंशियल पार्ट क्या है कि उसके काम जो है उसको सेटिस्फाई करे, एंड कैपिटलिज्म मेक्स वर्क अ मिजरी, ठीक है, एक इंसान के लिए क्या जरूरी है कि उस वो जो काम कर रहा है वो उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, लेकिन कैपिटलिज्म क्या करता है, वर्क अ माइजरी, सो वर्क अंडर कैपिटलिज्म दस एलिनेट मैन फ्रॉम हिमसेल्फ। मान लो मैं एक लोहार हूँ, ठीक है, मैं एक लोहार हूँ, मेरा अपना एक लोहार की एक भट्टी होती है, मेरा अपना मतलब एक जो वर्कशॉप है मेरी खुद की है, ठीक है, मैं वहां पर अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हूँ, ठीक है। सो अब होता क्या है, अब मान लीजिए कोई एक बड़ी कंपनी आ गई और उसने सोसाइटी के सब लोहारों को क्या है, हायर कर लिया। अब आपकी खुद की कोई शॉप है जहां पर आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जब आपका मन करेगा तब आप शटर खोलोगे, जब आपका मन होगा तब आप शटर डाउन करोगे, ठीक है, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है आप उस दिन दुकान नहीं खोलोगे, आपके घर में शादी है आप दुकान नहीं खोलोगे, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप अगर किसी इंडस्ट्री में काम करते हो सेम चीज के लिए, तो आपको फिर इंडस्ट्री के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको छुट्टियां भी गिनी चुनी मिलेंगी, आपको वर्किंग टाइम्स भी आपके क्या होंगे दूसरा डिसाइड करेगा, तो आपका जो काम है फिर वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इस तरीके से, ठीक है। इट इज नो लॉन्गर अ जॉय, इट इज सिंपली अ मीन्स टू अर्न वेजेस टू सर्वाइव। अब क्या है, अब आप सिर्फ क्या कर रहे हो, पैसे के लिए
ताकि आप सर्वाइव कर सको तो उसके लिए आप सिंपली काम कर रहे हो। दूसरा क्या है? दूसरा है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ अवर लेबर। एक तो हम खुद से एलिनेटेड हो गए, ठीक है, दूसरा हम अपने प्रोडक्ट ऑफ लेबर से एलिनेट हो गए, ठीक है। जो हम खुद का सामान बना रहे थे पहले, हम अपनी दुकान में अगर बना रहे थे या अपने घर में अगर हम बना रहे थे तो हम अपने हिसाब से बना रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, कैपिटलिज्म की वजह से हमें क्या है, वी डोंट प्रोड्यूस व्हाट वी कंज्यूम और कंज्यूम व्हाट वी प्रोड्यूस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कैपिटलिज्म के अंदर अब हम वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो हमें कंज्यूम करना है, या फिर हम वो कंज्यूम नहीं कर रहे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस वजह से हम क्या हो रहे हैं, अपने प्रोडक्ट ऑफ लेबर से क्या है, एलिनेट हो गए हैं। कहने का मतलब है आप एक कालीन बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, कालीन की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कालीन बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके घर में एक भी कालीन नहीं है। मान लो आपके घर में एक भी कालीन नहीं है, तो यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग व्हाट यू आर कंज्यूमिंग और यू आर नॉट कंज्यूमिंग व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग। तुम बना कालीन रहे हो लेकिन उसको खुद कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो। आप बना रहे हैं मकीन्स, ठीक है, मकीन्स के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, फूड आइटम्स जो होते हैं, आप वो बना रहे हैं लेकिन आप अपने घर में वो खिला ही नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो क्या है, यू आर प्रोड्यूसिंग एंड यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट। तो व्हाट वर्कर प्रोड्यूस ऑन देयर जॉब इज नॉट देयर्स। आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप वहां पर शराब की फैक्ट्री में, आप बहुत बड़ी वाइन कंपनी में हो या आप बहुत बड़ी चॉकलेट कंपनी में हो, ठीक है, और वहां पर आप चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन आप वो कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो आपकी है ही नहीं। डेयरी मिल्क में मेरा एक फ्रेंड था जो हम जब बीटेक में थे तो उस टाइम पे उसने डेयरी मिल्क के अंदर, कैडबरीज के अंदर, वहां पर उसने काम किया था, वहां पर उसने अपनी इंटर्नशिप करी थी। एंड वहां पर उसने बताया कि जो कैडबरी वाले शॉर्ट्स आते हैं ना, 2 रुपए के 2 लड्डू वाले, मन में लड्डू फूटा, वो उस बेंच पे था क्योंकि ही इज फ्रॉम मैकेनिकल, सो वो उस बेंच पे था जहां पर वो चीज प्रोड्यूस, जहां पर वो चीज पैकिंग वगैरह और ये सब होता था, और वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे कि आप एक भी कैडबरी खोल के खा नहीं सकते हो, ठीक है। सो यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड यू आर नॉट कंज्यूमिंग दैट थिंग बिकॉज इट इज नॉट योर्स, सो इट बिलोंग्स टू द बॉस, ठीक है। द हार्डर द वर्कर वर्क्स द मोर गुड्स एंड सर्विसेज ही और शी क्रिएट्स, ठीक है। जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करोगे उतना ज्यादा आप प्रोडक्ट्स को क्रिएट करोगे, बट दैट इंक्रीज आउटपुट गोज टू योर बॉस नॉट टू द वर्कर। एट वर्क ही और शी एक्सपेंड्स हर और हिज एनर्जीज एनरिचिंग द बॉस, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज को लगा रहे हो और फायदा किसको हो रहा है, बॉस को। तो आप खुद के जो बनाए हुए प्रोडक्ट से क्या फील कर रहे हो, एलिनेटेड फील कर रहे हो। दूसरा, तीसरा है आपका एलिनेशन फ्रॉम अवर ओन क्रिएटिव पावर्स, ठीक है, समझ में आ गया है। मैंने ये आपको पहले बता ही दिया है कि ह्यूमंस जो है वो नेचुरली फ्री हैं कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी क्रिएट करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो कैपिटलिज्म के अंदर जाते हैं, वो उनका जो एक ही चीज को बनाते 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 रिपीटेडनेस की वजह से या माइंड नंबिंग की वजह से या बोरिंग आपको लगने लगता है वो काम, या फिर आप खुद को एक मशीन लाइक समझने लगते हो। आईटी कंपनी में काम करने वालों के साथ में ऐसा बहुत होता है। सो दिस डज नॉट अलाउ वर्कर मच टाइम टू कल्टीवेट देयर टैलेंट एंड डेवलप एंड यूटिलाइज देयर क्रिएटिवनेस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि आपको सेम प्रोडक्ट बनाने हैं, आपको सेम बेंच पे काम करना है, तो वहां पर आप क्या है, अपनी क्रिएटिवनेस नहीं दिखा सकते हो। सो व्हाट्स मोर, मोस्ट ऑफ अस हैव लिटिल कंट्रोल और पावर ऑन अवर वर्क लाइफ। वर्कर ऑफन फील लाइक प्ले थिंग फॉर द इकोनॉमिक फोर्स, ठीक है। हम कैसे अपने आप को खिलौना समझने लग जाते हैं कैपिटलिस्ट पावर्स के लिए, और हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस वजह से हम अपनी खुद की क्रिएटिव पावर्स के साथ में किस तरीके से एलिनेट होते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। सो दिस मेक्स इट हार्डर फॉर वर्कर टू लिव दैट आर ट्रूली देयर ओन, ठीक है। अब देखो, खुद से आप एलिनेट हो गए, अपने बनाए हुए प्रोडक्ट से आप एलिनेट हो गए, अपनी क्रिएटिवनेस से आप एलिनेट हो गए, अब एक दूसरे से कैसे एलिनेट हो गए वो बताते हो, ठीक है। एक दूसरे से कैसे आप एलिनेट हो गए ये देखते हैं। सो ऑल्दो कैपिटलिज्म इज ऑलवेज ब्रिंगिंग एवर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल इनटू इट्स ऑर्बिट, ठीक है। एक जितनी बड़ी फैक्ट्री होगी, जितनी बड़ी कंपनी होगी, उसमें उतने ज्यादा लोग काम करेंगे, मानते हो इस चीज को। लेकिन जो लेबर प्रोसेस होता है उसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक छोटी सी फैक्ट्री है उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है,
बट इट डज सो इन वे दैट मेक्स अस फील इवन मोर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पीपल. आप एक जगह पे ग्रुप बना के काम नहीं कर सकते हो, खड़े होके बात नहीं कर सकते हो, सीसीटीवी हर जगह पे है, आपका सुपरवाइजर आपको पनिश कर देगा. ठीक है, हो सकता है आप जॉब से भी निकाले जाओ. तो क्या हो गया, आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें 10,000 लोग हैं या लाखों लोग हैं, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से क्या है, एलिनेटेड हो. ठीक है, एलिनेशन आप लोगों के खुद के अंदर भी आ चुका है, आप इन बिटवीन द ग्रुप्स. सो कैपिटलिज्म एनकरेजेस ईगोइज्म एंड डिस्करेजेस कलेक्टिव एक्शन. कैपिटलिज्म की वजह से क्या आ गया है, लोगों के अंदर ईगो आ गई है. ठीक है, और जो कलेक्टिव एक्शन जो है वो हो गए हैं खत्म. ठीक है, सो इट पिट्स वर्कर अगेंस्ट वर्कर. ये क्या करती है, एक वर्कर को दूसरे वर्कर के अगेंस्ट खड़ी कर देती है. क्यों, क्योंकि एक वर्कर जो है अगर मान लो वो 10 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा 12 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है सेम टाइम में, तो 12 प्रोड्यूस करने वाले को क्या मिल जाएगा, इंसेंटिव. और इंसेंटिव जैसे ही कॉन्सेप्ट आता है वैसे ही क्या हो जाता है, हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं. ठीक है, हम एक दूसरे क्या बन जाते हैं, कॉम्पिटिटर. कंज्यूमर अगेंस्ट कंज्यूमर इन कॉम्पिटिशन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स. मेरा पड़ोसी जो है फोर्ड की गाड़ी लेके आया, ठीक है, 5 सीटर, तो मुझे क्या करना है, मुझे 7 सीटर गाड़ी लेके आनी है. क्यों, क्योंकि मेरा उसके साथ में कॉम्पिटिशन है. कैपिटलिज्म क्रिएट रिफ्ट बिटवीन अस एंड डिग्रेड्स ह्यूमन रिलेशनशिप. तो कैपिटलिज्म की वजह से आया क्या है, हम लोगों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, लोगों के बीच में क्या आई है, रिफ्ट क्रिएट हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, और जो हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप है वो हो गई है खत्म. तो यही चीज यहां पर बताई है कि एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एलियनेशन ऑफ द लेबर पावर, एलियनेशन फ्रॉम द मींस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना. फीचर्स क्या है एलियनेशन के, कि आप क्या हो जाते हो, पावरलेसनेस, क्योंकि आपके पास कोई पावर नहीं रहती. आप जो काम कर रहे हो वो आपके लिए मीनिंगलेस हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप क्या है, अपने बनाए हुए गुड्स से ही क्या हो, एलिनेटेड हो. आप जो चीज बना रहे हो उसको आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, और जो आप कंज्यूम करना चाहते हो या कर रहे हो वो आप बना नहीं रहे हो. ठीक है, सोशल आइसोलेशन फीचर्स है एलिनेशन के, और एलिनेशन की वजह से क्या आता है, सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट आता है, सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट. ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको. सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट क्या होता है, जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान से एलिनेटेड फील करता है, या फिर किसी पूरी सोसाइटी से एलिनेटेड फील करता है. ठीक है, तो ये आइडिया किसने दिया था, सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट का भी कार्ल मार्क्स ने दिया था, कि व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस सोशल एलिनेशन दे मे डिनाई देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट एंड डिजायर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई डिमांड. ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, लोगों में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी आ जाता है. ठीक है, तो जो लोग आईटी में वर्क कर रहे हैं उनको तो ये चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी. तुम काम कर रहे हो किसी और के लिए, कट 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 पूरे दिन जो काम कर रहे हो, तुम्हारे खुद के किसी मतलब का नहीं है रियल लाइफ में. और वो काम तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें महीने के अंत में सैलरी चाहिए. ठीक है, आगे चले. अब ये फ्योर बैक की एक फिलॉसफी है, क्रिटिक ऑफ क्रिश्चियनिटी. खैर, इसका कोई रिलेशन नहीं है मार्क्स के उसके साथ में, मतलब एज सच, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए ऑलरेडी बहुत है, बट ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मार्क्स ने रिलीजन वाला जो कॉन्सेप्ट उठाया था वो फ्योर बैक के इस क्रिटिक ऑफ क्रिश्चियनिटी से ही उठाया था. ठीक है, तो फ्योर बैक ने बेसिकली क्या किया था, फ्योर बैक ने आर्ग्यू किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पावरफुल गॉड. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स दी थी, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एज अ स्पिरिचुअल बीइंग है वो क्या कर रहा है ह्यूमन, वो बेसिकली एक ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन पावर रिलेशन टू ऑन टू द स्पिरिचुअल बीइंग. तो ह्यूमन ने क्या किया है, अपनी पावर को, पावर रिलेशंस को क्या किया है, प्रोजेक्ट करके एक स्पिरिचुअल बीइंग क्रिएट कर दिया है जिसको हम बोलते हैं गॉड. और फ्यूअरबैक ने इसी को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था. क्रिश्चियनिटी जो है, अब ये क्योंकि ये क्रिश्चियन सोसाइटी में थे तो ये क्रिश्चियनिटी को ही क्रिटिक करेंगे बेसिकली, बट ये बात सारे धर्मों पे लागू होती है, कि क्रिश्चियनिटी इफेक्टिवली डिस्गाइज करने का मतलब क्या है, किसी को धोखा देना या किसी को भ्रम में रखना.
डिस्गाइज द फैक्ट दैट इट वॉज रियली ह्यूमन पावर रिलेशन. ठीक है, क्रिश्चियनिटी क्या करती है, डिस्गाइज करती है इस फैक्ट को, इस फैक्ट को छिपाती है कि बेसिकली ये क्या है, ये एक ह्यूमन पावर रिलेशन है जो हम लोगों के एक सोशल ऑर्डर में बांध के रखी हुई है. ये कोई गॉड नहीं है जो हमको एक सोशल ऑर्डर में बांध के रखा हुआ है. भगवान नहीं आता बताने की कैसे रहना है तुमको. रादर देन सम हायर स्पिरिचुअल रियलिटी देयर फॉर एलिनेटिंग फ्रॉम द ट्रुथ ऑफ पावर वॉज रियली मेंटेन. तो हमने क्या किया हुआ है एज अ सोसाइटी, हमने क्या किया हुआ है, एलिनेशन किया हुआ है ट्रुथ के. ठीक है, आप ट्रुथ से दूर भाग रहे हो. अब ये ट्रुथ किस चीज का है, ट्रुथ ऑफ पावर. ठीक है, ट्रुथ ऑफ पावर को हमने मेंटेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ रिलीजन, और उसको क्या किया हुआ है, हमने इंडिविजुअल के लॉजिकल रीजनिंग से क्या किया हुआ, उसको एलिनेट किया हुआ है. ठीक है, जितने भी लोगों ने बाद में क्लास ज्वाइन करी हो तो उसको सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. सो मार्क्स ने अप्लाई किया था यही वाला आइडिया एलिनेशन टू वर्क इन द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी. ठीक है, तो वही जो आपका रिलीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फ्यूअरबैक का कॉन्सेप्ट है जिसको मार्क्स ने और ज्यादा एक्सप्लेन किया था. ठीक है, अब मार्क्स ने जो अपना ये एलिनेशन वाला जो पूरा दिया हुआ है कॉन्सेप्ट वो कहाँ दिया हुआ है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट एंड द जर्मन आइडियोलॉजी. 1884 में ये पब्लिश हुआ और 1846 में ये पब्लिश हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है. तो अगर आपके लिए एलिनेशन कॉन्सेप्ट आता है तो प्लीज इन दोनों नामों को याद रखना क्योंकि ये आपको एक कटिंग एज दिला सकते हैं. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं. मार्क्स ने आर्ग्यू किया कि इन इमर्जिंग सिस्टम ऑफ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर्कर इनएविटेबली लॉस देयर कंट्रोल ऑफ लाइफ एंड देयर सेल्फ्स बाय नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ऑफ देयर वर्क. समझ गए, इतना सबको समझाया हुआ है, उसी को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है. ठीक है, एज अ रिजल्ट होता क्या है, वर्कर्स जो हैं वो ऑटोनोमस बन जाते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड ह्यूमन बीइंग इन एनी सिग्निफिकेंट सेंस. मतलब वर्कर जो है वो कभी ऑटोनोमस नहीं बन पाते हैं. ठीक है, कभी इंडिविजुअली काम नहीं कर पाते हैं, उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है अपना. सो इस वजह से क्या होता है, बुर्जवाजीज जो हैं वो चाहते हैं कि वर्कर जो है वो इसी तरीके से चलता रहे, और बुर्जवाजीज कभी चाहते ही नहीं है कि वर्कर को कभी सेल्फ रियलाइजेशन हो. तो मार्क्स ने इसी चीज को रेफर करते हुए बोला है कि मार्क्स रेफर टू दिस एज बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम वंस वर्क एंड एज सच वन सेल्फ. ठीक है, अपने काम से और खुद से भी क्या है, आप एलिनेट हो जा रहे हो. तो अगर कंक्लूजन में आएगा तो आप कंक्लूजन में यानी कि लास्ट वाली लाइन्स में ये सब लिख सकते हैं कि एलिनेशन इज देयर फॉर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी रादर देन एक्सटर्नल फोर्सेज विद एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी. इफ द प्रोडक्ट ऑफ लेबर आर एलियन टू द वर्कर. ठीक है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस वो आपके लिए एलियन है. दे मस्ट बिलोंग टू somebody else. दिस somebody else इज द कैपिटलिस्ट. ठीक है, अब ये कौन किसके लिए किसका प्रोडक्ट है, ये किसी और का है, और वो कोई और कौन है, वो है कैपिटलिस्ट हु ओन्स एंड कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेबर हु अप्रोप्रिएट द वेल्थ दैट लेबर प्रोड्यूस. ठीक है, जिसके पास वो क्या करता है, उस वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है जिसको लेबर जो है वो प्रोड्यूस कर रही है. सो एलिनेशन देयरफॉर स्प्रिंग्स नॉट फ्रॉम इम्पर्सनल मार्केट फोर्सेस बट फ्रॉम द रिलेशनशिप. ठीक है, एलिनेशन विल कम टू एन एंड व्हेन द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड द ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज रिजॉल्व. जब जो अब एलिनेशन खत्म कब होगा, जब आपकी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है मतलब आपको क्या चाहिए आप वही बनाओगे. ठीक है, जो आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो डेवलप हो जाएगी. तो जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बीच में और जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन चलते रहते हैं, मतभेद चलते रहते हैं, जब वो रिजॉल्व होंगे, ठीक है, तब आपका ये एलिनेशन खत्म होगा. सो देन पीपल विल रियलाइज दैट द सिचुएशन इन विच दे फाइंड देमसेल्फ इज ह्यूमन मेड एंड देयरफॉर सब्जेक्ट टू चेंज बाय द ह्यूमन एक्शन. अब ये जो एलिनेशन है ना वो हमने खुद जनरेट किया है. अगर कारीगर अपने लिए खुद काम करेगा, वो मना कर देगा एक कैपिटलिस्ट को कि मैं तुम्हारी फैक्ट्री में काम नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपने हिसाब से चीजें बनाऊंगा, अपने हिसाब से क्वालिटी डिसाइड करूंगा, अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करूंगा. तो ये जो हमारे ही एक्शन है जिन्होंने एलिनेशन को जनरेट किया है, और ये हमारे ही एक्शन होंगे जो इस एलिनेशन को खत्म कर सकते हैं. समझ में आया, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो. तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा. कल हम करेंगे क्लास स्ट्रगल्स. मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सभी को बहुत अच्छे से सिंपल शुद्ध भाषा में समझ में आए. तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा. जितने भी लोग इस सेशन को बाद में देखेंगे, गाइस प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कल मिलते हैं हम क्लास में 11 बजे, जहां हम करेंगे कार्ल मार्क्स का लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास को इधर ही खत्म करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आपको ये कैसा लगा वो आप मेरे को जरूर अभी भी बता सकते हैं, और जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। ठीक है, जितने भी लोग बाद में देख रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या जो भी आपके फीडबैक हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, सो दैट कि हमें पता चल पाए।